स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है भक्ति शास्त्री के प्रातःकालीन सत्र में। तो पिछली बार हम अध्याय 4 पे चर्चा किए थे और आज अध्याय 5 आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले अध्याय 5 आरंभ करने से पहले अध्याय 4 और 5 के बीच में क्या कड़ी है, क्या लिंक है वो देखते हैं। तो पहले श्लोक में ही प्रभुपाद लिखते हैं, पहले श्लोक के तात्पर्य में, आप में से कोई पूरा तात्पर्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहां से आप पढ़ सकते हैं कि और चौथे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को विभिन्न प्रकार के यज्ञ अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारे यज्ञों का प्रयस्मान यज्ञ में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्ति में कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म को की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। बस इतना ही हो गया, धन्यवाद। तो ये जो चौथे अध्याय का जो अंतिम श्लोक है उसके अनुवाद में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि खड़े हो, उठो उठो और युद्ध करो। और उससे पहले चौथे अध्याय में ही अंत में हमने देखा था भगवान दिव्य ज्ञान के बारे में बोल रहे हैं, तो दिव्य ज्ञान के बारे में भी बोल रहे हैं और अंत में 42वें श्लोक में अर्जुन को ये भी बोल दिया कि उठो और युद्ध करो। तो ये दोनों बातों को लेकर
अर्जुन फिर से भ्रमित हो गए। तीसरे अध्याय में भी आरंभ में हमने ये देखा था, अर्जुन बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न पूछ रहे हैं तीसरे अध्याय के पहले दो श्लोकों में, जो यहाँ पांचवें अध्याय में पूछ रहे हैं। तो ऐसे अर्जुन कैसे भ्रमित हो सकते हैं? तो अर्जुन का भ्रमित होना ये भी भगवान की एक योजना है। भगवान चाहते हैं कि अर्जुन भ्रमित रहें, जिससे कि हमारे लाभ के लिए, अर्जुन के लाभ के लिए नहीं, हमारे लाभ के लिए उनका वार्तालाप, उनका डायलॉग वो आगे बढ़ सके और भगवान निष्काम कर्म योग के बारे में और अधिक बता सके। तो ये अर्जुन यहाँ पर भ्रमित हैं, इसलिए भगवान को यहाँ पर एक अवसर मिलता है कि वो ये समझा सके हमें कि निष्काम कर्म योग और त्याग वो एक दूसरे के विपरीत नहीं है, वो एक ही हैं, लेकिन दोनों की दोनों में योग्यता अलग है। निष्काम कर्म योग और कर्म संन्यास, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोनों के लिए योग्यता अलग अलग है, बस इतनी सी बात है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर हमें समझा रहे हैं कि पहले श्लोक में तो अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप मुझे एक बार निश्चित करके बताइए कि मुझे करना क्या है। तो ऐसे भ्रमित होने का एक अभिनय कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तो दूसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं, पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो देखिए, जिसको प्रभुपाद भक्ति युक्त कर्म बता रहे हैं वो तकनीकी रूप से निष्काम कर्म योग है, लेकिन बाद में सब भक्ति में ही आने वाला है, इसलिए प्रभुपाद शुरू से ही उसको भक्ति योग ही बोल रहे हैं, है ना। ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि भक्ति युक्त कर्म, यानी अभी अगर उसका सार लें, प्रभुपाद के शब्द लें, तो भक्ति युक्त कर्म है, लेकिन अगर हम टेक्निकल उसके टेक्निकल एस्पेक्ट को देखें, उसके तकनीकी पहलू को देखें, तो निष्काम कर्म योग है। तो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान कि निष्काम कर्म योग कर्म त्याग से अच्छा है, तो उसका कारण क्या होगा वो भी समझाएंगे हमें। देखिए, जो निष्काम कर्म है और कर्म त्याग है, कर्म संन्यास है, दोनों का एक ही उद्देश्य है, लेकिन निष्काम कर्म अधिक सुरक्षित है और सरल है और व्यावहारिक है, सेफर, इजियर एंड मोर प्रैक्टिकल, है ना, क्योंकि इसमें इंद्रियां नियोजित रहती हैं, सेंसेस आर एंगेज्ड, जबकि कर्म त्याग में सेंसेस इनर्ट रहती हैं, इनएक्टिव रहती हैं, निष्क्रिय रहती हैं, तो उसमें खतरा है, लेकिन इसमें निष्काम कर्म में खतरा नहीं है, क्योंकि इंद्रियां नियोजित रहती हैं, एंगेज्ड रहती हैं, इसलिए निष्काम कर्म या प्रभुपाद के शब्दों में भक्ति युक्त कर्म वो ज्यादा सुरक्षित है, आसान है और प्रैक्टिकल भी है। तो कर्म सन्यासी जो होता है, जिसको कर्म त्याग करना है, उसको उसकी मन में यदि कोई भौतिक इच्छा है तो वो अपनी इंद्रियों का शरण नहीं ले सकता है। क्योंकि वो तो कर्म संन्यास का एक मूलभूत सिद्धांत है, कर्म संन्यास का मूलभूत सिद्धांत है कि इंद्रियां निष्क्रिय रहेंगी, और उसने पहले से ही इंद्रियों के सब कार्यों को त्याग दिया है, तो फिर से इंद्रियों के कार्य में नहीं लग सकता है, तो उसकी भौतिक इच्छा आएगी तो वो क्या होगा। इसलिए ये कर्म संन्यास अथवा ज्ञान योग ये बहुत कठिन है, इसके लिए कुछ योग्यता की आवश्यकता है कि कोई भौतिक इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, हृदय चित्त शुद्ध होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति के पास, कर्म संन्यासी के पास,
दो ही चुनाव है, या तो एक भौतिक कार्य करे या फिर निष्क्रिय होके बैठा रहे या कुछ ना करे। कर्म संन्यास का अर्थ यही है कि निष्क्रिय होकर बैठना, इनएक्टिव होना। लेकिन इंद्रियों को कुछ कार्य करना ही पड़ता है, तो इसलिए भक्ति युक्त कार्य निष्काम कर्म योग ये ज्यादा प्रैक्टिकल है। और शिल प्रभुपाद भी तात्पर्य में, हाँ शिल प्रभुपाद यहां पर लिख रहे हैं तात्पर्य में कि ज्ञान मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, केवल ये ज्ञान मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि आत्मा के स्तर पे कार्य भी करना चाहिए, नहीं तो हमें भौतिक जंजाल से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो प्रभुपाद भी वही बता रहे हैं कि कार्य करना चाहिए। तो तीसरे अध्याय तीसरे श्लोक का अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो पुरुष न तो कर्म फल से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है वो तो नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसे मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। हाँ, तो पिछले श्लोक में भगवान ने बता दिया कि निष्काम कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। तीसरे अध्याय में भी हमने यही देखा था, भगवान अर्जुन को वही बता रहे थे। अब दूसरे श्लोक में भी यहाँ पर भगवान ने वही बोला, मैं बोल रहा हूँ कि तीसरे अध्याय में भगवान ने यही बोला था, अब पांचवें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान यही बोल रहे हैं। और भगवान की योजना के अनुसार अर्जुन भ्रमित ही हैं, अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है। तो अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है, इसके कारण भगवान को एक अवसर मिल रहा है और अधिक बोलने का। अर्जुन बोल देंगे हाँ ठीक है मैं समझ गया, तो बस फिर आगे कृष्ण कैसे बोलेंगे, इसलिए अर्जुन भगवान की योजना के अनुसार अर्जुन भी भ्रमित है। तो संन्यास क्यों लिया जाता है? संन्यास लिया जाता है मुक्ति की प्राप्ति के लिए। जैसे यहां पर लिखा है ना कि इस प्रकार का व्यक्ति सभी द्वंद्वों से मुक्त होकर आसानी से भौतिक बंधनों पर विजय प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त करता है, ये महाबाहु अर्जुन। तो संन्यास का उद्देश्य है मुक्ति को प्राप्त करना। लेकिन जो अपने कर्म फल का त्याग करता है, क्या कार्य करते हुए, भगवान के लिए कार्य करते हुए कर्म फल का त्याग करता है, उसको भी मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार के त्याग में, कर्म फल के त्याग में, इसमें कोई, जैसे यहां पर बता रहे हैं द्वंद्व, द्वंद्व का ऊपर उससे पहले वाली लाइन में बोला है कि जो ना घृणा करता है ना इच्छा करता है, ना इच्छा करता है ना द्वेष करता है। तो जो कर्म फल से जो अनासक्त है, जिसको कर्म फल से आसक्ति नहीं है, वो कर्म फल के लिए ना तो इच्छा करता है, ना कर्म फल की कामना करता है, ना उससे घृणा करता है। तो ये एक सन्यासी का ऐसा स्वभाव होता है। इसे कहने का अर्थ यह है कि सन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल इस चेतना को विकसित करने की आवश्यकता है कि कर्म फल से ना घृणा करना, ना उसकी कामना करना, ना कर्म फल से घृणा करना, ना उसकी कामना करना, उससे भी मुक्ति प्राप्त होगी। और ये एक सन्यासी का भी लक्षण है। सन्यासी तो कर्म से भी, तो कर्म को भी त्याग देता है। कर्म को त्याग देता है, क्यों त्याग देता है? क्योंकि कर्म करने से कर्म फल मिलेगा, इसलिए कर्म को त्याग देता है। लेकिन यदि कर्म करते हुए कर्म फल को त्याग दिया जाए, तो जो सन्यासी को प्राप्त होता है मुक्ति, वो निष्काम कर्म योगी को भी प्राप्त हो सकता है। यहां पर ऐसा बताया गया तीसरे श्लोक में। तो अब चौथे श्लोक का अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा, अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं, वे कहते हैं कि जो
इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। हाँ, तो यही अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही बताया कि सन्यासी क्या करता है, सन्यास क्यों ग्रहण करता है, वो कर्म को क्यों त्याग करता है, ताकि मुक्ति प्राप्त करे। लेकिन भगवान यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपको कर्म त्याग करने की आवश्यकता नहीं है मुक्ति के लिए, आप केवल कर्म फल को त्याग करने से ही मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो, यही बात यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं भगवान कि अज्ञानी पुरुष निष्काम कर्म योग और सांख्य को, सांख्य का अर्थ यहाँ पर ज्ञान ले सकते हैं, उनको भिन्न मानते हैं। लेकिन जो वास्तव में ज्ञानी है वो जानता है कि दोनों पथ भिन्न नहीं है, दोनों का उद्देश्य एक ही है, दोनों का, कर्म संन्यास का और कर्म योग का, दोनों का उद्देश्य एक ही है। तो कर्म योग अथवा कर्म संन्यास का मतलब है ज्ञान भी, दोनों में त्याग करना होता है। लेकिन क्या श्रेष्ठ है, किसका त्याग करना श्रेष्ठ है? क्या हमें कर्म का त्याग कर देना चाहिए या कर्म फल का त्याग करना चाहिए? तो कृष्ण का उत्तर बिल्कुल बार बार वही आ रहा है कि इन दोनों में से कर्म फल का त्याग करना श्रेष्ठ है, कर्म का त्याग करने में खतरा है, डेंजर है। ठीक है, तो ये चौथा श्लोक हो गया। तो यहां पर जब भगवान बता रहे हैं कि एक मिनट, चौथा श्लोक था ना, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। सांख्य का अर्थ है, सांख्य का यहां पर अर्थ है ज्ञान योग, और जिसका अर्थ है कर्म को त्याग देना, और योग का अर्थ है कर्म को नियोजित करना भगवान की सेवा में, निष्काम कर्म योग। तो वो दोनों एक ही हैं क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही है। इस प्रकार से दोनों एक ही हैं, दोनों का उद्देश्य है मुक्ति प्राप्त करना, कर्म बंधन से मुक्त हो जाना। तो ये वही है जो हम तीसरे अध्याय चौथे अध्याय में सुनते आ रहे हैं, वही भगवान फिर से बता रहे हैं, जोर देकर कह रहे हैं, ताकि अर्जुन के निमित्त हमें ठीक से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अभी पांचवें श्लोक का अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा, जो यह जानता है कि विशेषता अध्ययन साख्य द्वारा प्राय स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो साख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। हरे कृष्ण। तो ये चौथा श्लोक और पांचवा श्लोक एक ही है, उनमें दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन केवल एक ही बात को जब अच्छे से समझाना होता है, बलपूर्वक बताना होता है, तो दो बार बोला जाता है, दो तीन बार बोलने से उस पर एक जोर देकर कहा जाता है। तो चौथा श्लोक और पांचवा श्लोक एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, वही बात को भगवान दोहरा रहे हैं ताकि हमें ठीक से समझ में आ जाए। देखिए प्रभुपाद इसके तात्पर्य में भी लिखते हैं। तो देखिए एक चीज मैं बार बार बता रहा हूं और आपको समझनी चाहिए कि जो कृष्ण निष्काम कर्मयोग बोल रहे हैं शिला प्रभुपाद उसको भक्ति योग में अनुवाद कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो अगर तकनीकी रूप से देखें तो वो निष्काम कर्म योग है, लेकिन यदि उसका सार देखें तो वो भक्ति योग ही है। तो इसलिए प्रभुपाद वहां पर भक्ति योग बोल रहे हैं, लेकिन निष्काम कर्म योग ही है। तो प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं कि सांख्य में व्यक्ति को पदार्थ से मुक्त होना होता है, और भक्ति योग की प्रक्रिया में व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने से आसक्त होना होता है।
इसका इसका तात्पर्य पढ़ी यहाँ पर, पहली पहली प्रक्रिया में ऐसा कुछ लिखा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़िए माता जी। इसमें लिखा है कि सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना होता है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक है। आगे पढ़िए, पूरा पढ़िए। यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति है, जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है, वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। आपको समझ में आ गया ना? यहाँ पर देखिए, इसकी भावना ये है कि जो सांख्य सांख्य में पदार्थ से विरक्ति क्यों की जाती है, क्योंकि पदार्थ से आसक्ति होगी तो फिर भव बंधन में फंस जाएंगे। लेकिन यदि कृष्ण के लिए कर्म करने से आसक्ति होगी और कृष्ण के कर्म के लिए पदार्थ को उपयोग किया जाएगा तो फिर भव बंधन में नहीं फंसेंगे। यहाँ पर ये बात बताई जा रही है। इसीलिए जो आपने इसकी इसकी अंतिम लाइन पढ़ी कि पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण से आसक्ति एक ही है, एक ही कैसे है कि दोनों से भव बंधन में नहीं फंसेंगे। जैसे किसी को इसका इसका एक उदाहरण मैं देकर बताता हूँ। जैसे एक बार शिला एक, एक एक पिक्चर आया था, एक फोटो आया था जिसमें एक योगी था और वो उसके सामने रुपयों का ढेर पड़ा था और वो ऐसे दूर भाग रहा था, ऐसे हाथ पीछे करके। एक बार न्यूज़पेपर में ऐसा आया था तो प्रभुपाद के पास वो लेकर गए, बोले देखिए प्रभुपाद, ये जो योगी है ये पैसों को छूता भी नहीं है। क्यों? उसको पता है कि मैं पैसों को छूंगा तो पदार्थ से आसक्ति हो जाएगी, फिर मैं भवंदन में फंस जाऊंगा, इसलिए वो दूर रहता है। प्रभुपाद ने कहा एक काम करो, ऐसे मेरे सामने भी नोटों का ढेर लगाओ। तो भक्तों ने नोटों का ढेर लगा दिया। प्रभुपाद ने ऐसे उन नोटों का आलिंगन किया, बोला मेरी फोटो खींचो। पर मैं सारी दुनिया का जितना भी धन है सब भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ, है ना? क्योंकि प्रभुपाद को कृष्ण से आसक्ति है, इसलिए पदार्थ उनके लिए हानिकारक नहीं है। लेकिन जिसको कृष्ण से आसक्ति नहीं उसके लिए पदार्थ हानिकारक है। तो ये भावना यहाँ पर बताई गई है इस श्लोक में, पांचवें में। लेकिन इसमें एक 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 यहाँ पर चेतावनी भी है कि यदि हम पूरी तरह से कर्म संन्यास ले लें, यानी पदार्थ से अनासक्त हो जाएं, विरक्त हो जाएं, और हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, तो फिर से जो हमारा अशुद्ध हृदय है, दूषित हृदय है, वो हमें गलत कार्यों में फिर से लगाएगा, विकर्म में लगाएगा। क्योंकि क्योंकि हमारी इंद्रियों को कुछ कार्य करने को चाहिए। क्योंकि तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा था ना कि एक क्षण के लिए भी कोई निष्क्रिय नहीं रह सकता है। और ज्ञान योग में निष्क्रियता ही अनिवार्य है, आवश्यक है। तो जब तक इंद्रियां किसी अच्छे कार्य में नहीं लग रही हैं, भगवान की सेवा में नहीं लग रही हैं, उनको रोकना, उनको कार्य करने से, गलत कार्य करने से रोकना बहुत कठिन है, बहुत डिफिकल्ट है। केवल हम इंद्रियों को नियंत्रित करते रहें, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, वो मत करो, ये बहुत कठिन है। लेकिन उससे आसान यह है कि हम इंद्रियों को एक अच्छे कार्य में लगाएं, भगवान की सेवा में लगाएं, या अच्छे कार्य में। तो इसलिए कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि इंद्रियां सदा नियोजित रहेंगी, एंगेज्ड रहेंगी, और जब मेरे लिए कार्य करेंगे, कृष्ण के लिए कार्य करेंगे, तो साथ साथ हृदय शुद्ध भी होगा और कर्मफल भी नहीं लगेगा। तो ये ज्यादा प्रैक्टिकल है और इसलिए ये अच्छा, ये कृष्ण इसको श्रेष्ठ बता रहे हैं। दूसरे श्लोक में भगवान ने बोला ना कि वो श्रेष्ठ है। तो वो जो ये जो तुलना चल रही है दोनों कार्य दोनों के बीच में, आप कर्म संन्यास, सांख्य, ज्ञान योग, कर्म त्याग सब एक ही मान लीजिए, इन चारों को एक मान लीजिए, और इधर निष्काम कर्म योग और भक्ति योग, प्रभुपाद उसको भक्ति योग बोलते हैं पर वो निष्काम कर्म योग है। और जब हम कर्म योग भी बोलते हैं तो उसका अभिप्राय निष्काम कर्म योग ही होता है, सकाम कर्म योग बहुत कम उसका उपयोग किया जाता है। 99%
कर्मयोग का अर्थ है निष्काम कर्मयोग। तो कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग और भक्ति योग वो एक ही मान लीजिए। तो इन दोनों के बीच में तुलना चलती रहेगी, कंपैरिजन चलता रहेगा आगे। तो पिछली बार मैंने श्लोक 5 तक पढ़ने को कहा था ना, लेकिन आज हम थोड़ा सा आगे भी जाएंगे, 6-12 तक करेंगे। तो मैं बताता रहूँगा और आपको समय भी देंगे, जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आप उनके तात्पर्य भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो छठे श्लोक का अनुवाद पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, है ना। देखिए बिल्कुल वही जो बात चल रही है कि केवल कर्म त्याग करके कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन जो निष्काम कर्म योग में लगेगा या प्रभुपाद के शब्दों में भक्ति योग में लगेगा वो सुख की प्राप्ति करता है। तो ऐसा विचारवान व्यक्ति बिना किसी देर के परमेश्वर को प्राप्त करता है, क्योंकि भक्ति कार्यों में लगा है, ठीक है। अब 7-12 श्लोक तक अगले पांच श्लोकों में कृष्ण बता रहे हैं कि निष्काम कर्म योग का अभ्यास कैसे किया जाता है। निष्काम कर्म योग का अभ्यास, निष्काम कर्म योग का अर्थ क्या है, उसका अभ्यास क्या है, अभी तक हमने बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन क्योंकि अर्जुन एक भ्रमित व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज प्लेइंग रोल ऑफ अ बिविल्डर्ड पर्सन, तो इसलिए कृष्ण उसको फिर से दोहराएंगे 7-12 तक। तो पढ़िए 7वें श्लोक का अनुवाद। हरे कृष्णा, जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता, कभी बंधता नहीं है। तो ये कर्मयोगी के लक्षण है, वो इंद्रियों को नियंत्रित करता है और भक्ति भावना में कार्य करता है, इस प्रकार से ऐसा व्यक्ति कभी भी भव बंधन में नहीं बंधता। तो ये इस श्लोक का तात्पर्य बहुत अच्छा है, हम आपको एक्सरसाइज में देंगे पढ़ने के लिए। लेकिन अब आगे पूरा निष्काम कर्म योग के बारे में ही बताएंगे भगवान, कि एक निष्काम कर्म योगी या हम कह सकते हैं कि प्रभुपाद के शब्दों में एक भक्ति योगी, वो कैसे कार्य करता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, निष्काम कर्म योगी का अर्थ है कि वो कर्म से आसक्त है, लेकिन फल वो एक दिव्य उद्देश्य के लिए समर्पित करता है। तो उन दिव्य उद्देश्य ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान भी हो सकते हैं। जब वो भगवान के लिए हो जाता है तो उसको भक्ति योग बोलते हैं, और प्रभुपाद उसी का बार बार उपयोग करते हैं। प्रभुपाद उसको निष्काम कर्म योग बोलते ही नहीं है, कभी कभी बोलते हैं, प्रभुपाद उसको भक्ति योग ही बोलते जा रहे हैं, ठीक है। तो आगे 8-9 का अनुवाद एक साथ ही है, पढ़िए। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सब से पृथक है। तो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि एक निष्काम कर्मी वो अपने शरीर से, जब कार्य शरीर और इंद्रियों से कार्य भी करता है, तो वो जानता है कि वो शरीर से भिन्न है। तत्ववित मतलब वो जानता है कि वो ये शरीर नहीं है, वो आत्मा है, लेकिन शरीर को वो भगवान की सेवा में लीन रखता है। तो इसके तात्पर्य में अंतिम लाइन है, एक बार ये पढ़िए माता जी।
वहाँ भगवत सेवा, प्रभु जी वहाँ भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। तो इस प्रकार से वो कभी भी इंद्रियों के कार्य से प्रभावित नहीं होता है। जो एक भगवान का दास है वो इंद्रियों के कार्य से प्रभावित नहीं होता है। तो वही बात बार बार आ रही है, इस संसार में कोई इंद्रियों से कार्य करेगा तो उसे प्रभावित होगा, उसको फल मिलेगा, कार्य कर्म का कर्म फल मिलेगा। लेकिन ये व्यक्ति जो है जानता है कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, उसको कर्म फल नहीं लगता है और इसलिए वो भगवान की सेवा को छोड़कर और कोई कुछ नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ। ठीक है, दसवें श्लोक का अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। पढ़िए। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्त रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। जैसे आपने देखा होगा कमल, यहाँ बंगाल में तो बहुत होता है कमल, तो कमल की जो पत्ती होती है ऐसे ऐसे गोल होती है, उसके ऊपर आप पानी डालेंगे तो तुरंत पानी फिसल के नीचे चला जाता है, उसके ऊपर पानी, वो पत्ता गीला नहीं हो सकता, उसके ऊपर एक प्राकृतिक वैक्स की लेयर होती है, मोम की एक परत होती है। तो इसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है और अपने कर्मफल को परमेश्वर को समर्पित करता है, उसको पाप कर्म नहीं लगता है। जैसे कि अर्जुन यहाँ पर युद्ध करने वाले हैं, इतने सारे योद्धाओं को मारेंगे अपने बाणों से, लेकिन उसको कोई उसका पाप कर्म नहीं लगेगा, क्योंकि वो कृष्ण के निमित्त वो युद्ध कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई इस ज्ञान से, इस ज्ञान से यदि कृष्ण के लिए कार्य करता है कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं और मैं कृष्ण का एक अंश हूं, मुझे शरीर से मेरा संबंध नहीं है, मेरा संबंध तो कृष्ण से, ऐसे व्यक्ति को कोई कर्म फल भी नहीं लगते हैं, पाप भी नहीं लगता है और पुण्य भी नहीं लगता है, पाप पुण्य से परे है। ठीक है, अब 11वें श्लोक का अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। पढ़िए। योगी जन आसक्त रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अच्छा ठीक है, एक बार 11वें से पहले 10वें श्लोक में ही तात्पर्य में यहाँ पर आता है कि जो ये भली भांति जानते हैं कि सब कृष्ण से संबंधित है। ईशोपनिषद लिखा है ना, उसके अगली लाइन वो थोड़ा सा पढ़िए, 10वें श्लोक के तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढूं? हाँ पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण। जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है, उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। कोई प्रयोजन नहीं। आगे पढ़िए। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है, तब यह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। हाँ बस, तो कृष्ण यहाँ पर निष्काम कर्मयोग के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद हमें प्रैक्टिकली समझा रहे हैं कि एक भक्त के जीवन में ऐसा कैसे होता है, एक भक्त कैसे पाप कर्मों से मुक्त रह सकता है। वो यदि इस ज्ञान से कार्य करता है कि सब कुछ कृष्ण का है, यहाँ तक कि मेरा शरीर भी कृष्ण का है, तो इस भावना से यदि वो कार्य करता है तो वो पाप कर्मों से मुक्त रहता है। ठीक है, अब 11वें श्लोक का अनुवाद एक बार फिर से पढ़ लीजिए। योगी जन आसक्त रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। आसक्ति से रहित होकर सब कुछ वो लगाते हैं, जबकि यहां पर जब योगी के बारे में कृष्ण बोल रहे हैं, योगी जन, तो वो योगी जन है निष्काम कर्म योगी और भक्ति योगी भी। तो भक्ति योग अपना शरीर मन बुद्धि अपनी इंद्रियां सब शुद्धिकरण के लिए लगाते हैं। तो पिछली, अच्छा इससे पहले
अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि यदि कोई शरीर से अनासक्त होता है, कर्मफल से भी अनासक्त होता है, तो वो किस लिए कार्य करता है। तो यहाँ पर कृष्ण बता रहे हैं कि वो शुद्धिकरण के लिए कार्य करता है। जो निष्काम कर्म योगी है वो शुद्धिकरण के लिए कार्य करता है, आसक्ति से रहित होकर अपना मन बुद्धि सबको लगाते हैं। जो ज्ञान योगी होते हैं, जो सांख्य ज्ञान या कर्म संन्यास, वो लोग शरीर मन बुद्धि इंद्रियां इन सबको नियोजित नहीं करते हैं, वो लगाते नहीं हैं, उनको समेट के रखते हैं। तो दोनों में अंतर है। तो प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ये कृष्ण भावनामृत की एक पराकाष्ठ है, परफेक्ट स्टेज। ये कृष्ण भावनामृत की परफेक्शन है। अब अगले श्लोक में कृष्ण आसक्त और अनासक्त की तुलना करेंगे। और ये वाला जो श्लोक है, 12वां श्लोक, ये पीछे के 5 श्लोकों का एक सार भी कह सकते हैं। पढ़िए 12वें श्लोक का अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बन जाता है। तो देखिए दोनों में आ गया ना, दोनों में कंपैरिजन आ गया ना कि एक को तो निष्काम कर्म योगी को तो एक शुद्ध शांति प्राप्त होती है, और जो व्यक्ति फल कामी, अच्छा ये फल कामी ज्ञान योगी नहीं है, ज्ञान योगी ने सब कुछ त्याग कर दिया, ये फल कामी कर्म कांडी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनकी तुलना आ रही है, वो भवबंधन में फंस जाते हैं। इसका अनुवाद भी बहुत अच्छा है, इसका अनुवाद भी पढ़िए, बहुत अच्छा अनुवाद है, ये तात्पर्य, सॉरी, इसका तात्पर्य भी बहुत अच्छा। जय श्री प्रभुपाद। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है, वह निश्चित ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्मफल की कोई चिंता नहीं होती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। कृष्ण श्री भगवान है, कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्व मंगल में है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर हैं, वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरी तरह होता है। किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है, उसे शांति नहीं मिल सकती। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह अनुभूति कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति और अभय का पद है। देखिए ये शांति और अभय प्राप्त करने का ये सूत्र है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और इसके बाद मैं प्रश्न उत्तर बाद में लूंगा। तो अभी हम थोड़ा एक ग्रुप डिवीजन करके एक टास्क कर लेते हैं। तो ग्रुप 1, आपको श्लोक 2 में फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य, दो प्रकार के वैराग्य हैं, फल्गु तथा युक्त। आपको एक स्किट करना है, स्किट मतलब एक लघु नाटिका, उसके द्वारा फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य में अंतर क्या है वो हमें समझाना है, लघु नाटिका के द्वारा, ठीक है। तो वहां से पहले आप पढ़ेंगे, आपको करना क्या है, पहले आप समझेंगे कि फल्गु वैराग्य होता क्या है और युक्त वैराग्य होता क्या है, फिर आप उसको नाटिका के द्वारा प्रस्तुत करेंगे सब भक्तों के सामने। और 20 मिनट आपके पास समय है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से अपना डायरेक्शन वगैरह कर सकते हैं। श्लोक संख्या क्या क्या बोलिए? 5.2 दूसरा श्लोक, बस 5.2 में तात्पर्य में दो प्रकार के वैराग्य दिए गए हैं, फल्गु तथा युक्त।
इन दोनों को पहले पढ़िए, उनकी तुलना को पहले आप समझिए कि उन दोनों में क्या अंतर है, और फिर उसको एक नाटिका, लघु नाटिका की सहायता से सबको बताइए, ठीक है। फिर श्लोक संख्या 7 और 12, वहां से लेकर आपको एक फॉर्मूला बताना है, एक एल्गोरिदम बनाना है। एल्गोरिदम को क्या बोलते हैं हिंदी में? समीकरण। प्रभु जी क्या बोलते हैं माता जी? समीकरण में भी समीकरण 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 नहीं, समीकरण तो हो गया इक्वेशन। एल्गोरिदम का अर्थ है कलन विधि, लेकिन वो भी समझ में नहीं आएगा ना। ऐसा कुछ शब्द होना चाहिए जो हमें समझ में आए। एक एक एल्गोरिदम बनाना है। एल्गोरिदम मतलब कॉज इफेक्ट, इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, ऐसे करके। तो आपको एक एल्गोरिदम बताना है कॉज इफेक्ट, कि कैसे एक भक्ति युक्त व्यक्ति शुद्ध शांति को प्राप्त करता है। बेसिकली आपको बताना है कि कैसे एक भक्त शुद्ध शांति को प्राप्त करता है, कहां से वो स्टार्ट होता है, कैसे 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 करके वो शुद्ध शांति तक पहुंचता है, ठीक है। इसको कलन विधि बोलते हैं एल्गोरिदम को, लेकिन अब वो भी नहीं समझ में आएगा ना। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। हाँ वैसा क्रिया प्रक्रिया प्रतिक्रिया। हाँ वो करके आपको, आप समझ गए ना बस। समझाना इम्पोर्टेंट है। समझ गया प्रभु जी, समझ गया। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक संख्या 7 और 12, यहाँ से आपको पहले पढ़ना है, पहले समझना है, फिर वो बनाना है, ठीक है। तो आप इसका चार्ट बना सकते हैं, इसके लिए पोएम बना सकते हैं। पोएम बनाएंगे तो और भी अच्छा है। एक कविता बनाइए, इस पर चार्ट बना सकते हैं, या पिक्चर बना के समझा सकते हैं, क्योंकि 20 मिनट हैं, 20 मिनट में आपको टाइम मिल जाएगा। फिर ग्रुप 3 का टास्क है कि आपको समझाना है कि निष्काम कर्म योगी किस प्रकार से कार्य करते हुए भी कर्मफल से मुक्त होता है। तो इसमें आपको श्लोक संख्या 7 से लेकर 12 तक, 6 श्लोक हैं, 7 से लेकर 12 तक, उसमें सारे संस्कृत श्लोक और उसमें सारी उपमाएं, वो सब लेनी है। निष्काम कर्म योगी कार्य करते हुए भी कैसे कर्मफल से मुक्त रहता है, इसके लिए श्लोक संख्या 7 से 12। और इस ग्रुप में कुछ, थर्ड ग्रुप में थोड़े अधिक डिवोटी होने चाहिए, क्योंकि ये बड़ा टास्क है, तो आप इसको डिवाइड करके कर सकते हैं। 6 श्लोक हैं तो ऐसे करके डिवाइड करके आपस में कर सकते हैं। तो आपको सारी उसकी उपमाएं और संस्कृत के शब्द जो हैं वो सब आपको लेने हैं अपने प्रेजेंटेशन में, ठीक है। प्रभु जी कृपा करके क्वेश्चन को वापस दोहराइए अपना ग्रुप। कौन सा ग्रुप? 3 जी प्रभु। निष्काम कर्म योगी कैसे कार्य करते हुए भी कर्म फल से प्रभावित नहीं होता है, इसको आपको संस्कृत के श्लोकों और उपमाओं के द्वारा समझाना है। और ये संस्कृत के श्लोक और उपमाएं श्लोक संख्या 7 से 12 तक दी हुई हैं, ठीक है। आपके ग्रुप में कोई ना कोई तो समझेगा ही सबको, इसलिए सब टास्क पता है, तो किसी ना किसी को तो ये ग्रुप टास्क होता है, वो मिलजुल कर ही करना चाहिए, एक दूसरे से डिस्कस करके, ठीक है। तो अभी हम आपको इसको ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। 20 मिनट्स फॉर प्रिपरेशन एंड 5 मिनट्स फॉर प्रेजेंटेशन। हम लोग कितने हैं? 18, 6 लोग आएंगे, नहीं ठीक है। पहले कैसे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। पैंतालीस पे कर दिया था मैंने सैंतालीस। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और वो ये है कि भगवान इतने क्रूर क्यों हैं, भगवान इतने क्रूर क्यों हैं, इस संसार में कितना दुख है और भगवान कुछ करते ही नहीं है। और तो और यहां तक कि अगर कोई तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा होता है ना तो उस बस को धक्का देके मार के गिरा देते हैं, लोग डूब जाते हैं, इवन तीर्थ यात्रा में कोई डूबे मर जाए। क्या भगवान में दया नाम की कोई चीज नहीं है? कितना क्रूर है भगवान इसमें दया नहीं कि अपने बच्चों को इस प्रकार से मरते हुए देखता है वो। और तो और जो इनकी तीर्थ यात्रा पर जाए जैसे बद्रीनाथ में अभी हमने देखा रिसेंटली कितने सारे लोग मर गए, मासूम बच्चे तक मर गए जी, उन्होंने भला किसी का क्या बिगाड़ा था। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? Why God is so cruel? देखिए भगवान क्रूअल बिल्कुल भी नहीं है, हम सब भगवान के बच्चे हैं। क्या किसी भी पिता को अपने बच्चों को दुख देके सुख मिलेगा? Thank you.
कृष्णा।
ये बाकी टाइम तो सही है, लेकिन जब ये ग्रुप का टास्क दिया जाता है तब ये 20 मिनट बहुत जल्दी चले जाते हैं। प्रभु थोड़ा 20 मिनट ऐसा कीजिए वो 40 मिनट तक हो जाए। 25 मिनट का दिया प्रभु आज। आप टाइम देखिए, 20 की जगह 25 मिनट बाद आए। ठीक है, ग्रुप वन। हरे कृष्णा प्रभु जी, ओम प्रकाश प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हम लोग ग्रुप वन का टास्क कर रहे हैं, फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य। तो हम अभी एक मंदिर में सेवा, हम गृहस्थ है और हम एक मंदिर में सेवा करते हैं, और हमारा रामेपति प्रभु जी भी मंदिर में अवस्था में है प्रभु जी भी। तो हम हमारा गृहस्थ के हम चर्चा करेंगे प्रभु जी। आज मुझे जगन्नाथ भगवान है, मुझे ये सारा लिस्ट देती हूँ, मोबाइल में दे देना, उसमें थोड़ा राजा विलासिनी माता जी म्यूट कीजिए। कुछ बोल रहे ओके okay. ये सामान ले लीजिए और आज पूरा प्रसाद छप्पन भोग बना के अभी भगवान को चढ़ाएंगे। ठीक है, बना दिया, लेके आया, चढ़ा दिया भगवान को, ऑफर किया हम लोग ने, भगवान को ऑफर किया और मंदिर में लेके आए, और मंदिर में ले आके ब्रह्मचारी को भी हम देना चाहते हैं। ऑफर करना और मुझे थोड़ा टेस्ट कर लीजिए, आज मैंने ये छप्पन भोग भगवान को ऑफर किया जगन्नाथ भगवान को, okay. बन गया, थोड़ा टेस्ट। वाओ, दिखने में इतना अच्छा है। प्रभु जी आप भी आ जाइए हमारे साथ में, प्रसाद हम लेते हैं साथ में। रमापति प्रभु जी आ जाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। अच्छा कोई बात नहीं है, हमको थोड़ा सा ले लेंगे, लेकिन इतना हम नहीं कहेगा, थोड़ा सा कुछ दाल नहीं तो चावल थोड़ा सा दे दो, थोड़ा इतना भी। ये पूरा डिशेस हम नहीं खा सकता है, नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमको ये कंट्रोल करना है। नहीं, ठीक है, भगवान की प्रसाद बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें आसक्ति हम नहीं रहना है, थोड़ा सा खाएंगे। ये पूरा खाएगा फिर मेरे को उधर मन उधर चला जाएगा, नहीं मांगता है, थोड़ा सा दे दो बस, एक छोटा सा प्लेट में थोड़ा सा दे दो। ठीक है ले लिया, लेकिन अरे यार ये लोग तो बहुत अच्छा प्रसाद का व्यवस्था बहुत अच्छा किया, बहुत है, लेकिन हमने दो ही ले लिया यार। ये गुलाब जामुन इतना अच्छा दिख रहा है, इतना मस्त दिख रहा है, आज तो भगवान ने जगन्नाथ जी ने बहुत कृपा किया, इतना भगवान का प्रसाद ऑफर खाने को मिल रहा है, वाह बहुत आनंद आ रहा है आज तो। हरे कृष्ण, ये लोग कपल्स कितना अच्छा है, बहुत का है, लेकिन हम तो यार पूरा छोड़ दिया, लेकिन हमको अभी मन लगता है इनसे गुलाब जामुन पूछ ले, और जो सेवैया बनाया और कुछ बहुत डिशेस बनाया हमने, तो दो ही आइटम ले लिया। ठीक है, अच्छा रमापति प्रभु जी, हम लोग अभी अगला छुट्टी में, बच्चे का छुट्टी में हम कहीं ट्रिप जाने का सोच रहे हैं, हम लोग धाम यात्रा जाने का सोच रहे हैं, आप आएंगे क्या हमारे साथ घूमने के लिए? उधर धाम यात्रा होके बद्रीनाथ होके उधर से फिर मायापुर की तरफ होके आ जाएंगे, आप आ सकते हैं क्या हमारे साथ? जाएंगे? नहीं नहीं प्रभु, अभी समय नहीं है, बस आप चला जाइए, आप लोग बस भगवान का दर्शन करके आइए, हम बस इधर ही रहेंगे, हम किधर भी नहीं जाएगा हमको बस... बच्चे भी बहुत जीत कर रहे हैं ना, बाहर नहीं गया बोल के, काफी दिन से नहीं गया है, तो अभी इस बार इस छुट्टी में हम थोड़ा घूमने के लिए जाएंगे, दर्शन करेंगे भगवान का, फिर वृंदावन की तरफ भी एक चक्कर। ठीक है, आप लोग जाइए, हम भी हमारे साथ चलते, हम मंदिर से किधर भी नहीं निकलने का, बस यही धाम है, यही सब कुछ है, आप लोग खुद ही जाके आइए, बस हम इधर ही रहेगा, मंदिर में रहेगा, बस हम किधर नहीं निकलेगा। ये लो लैपटॉप, तुम्हारे लिए लैपटॉप चाहिए था ना, ये कुछ टाइपिंग करने के लिए, भक्ति भिक्षा क्लास के लिए कुछ टाइपिंग चाहिए था, सोच रहा था ये लो लैपटॉप ले लो। हाँ, मुझे थोड़ा वो भगवान, कल से भगवान का सेवा में पूरा ये यूज करना। हाँ, ठीक है, ये लैपटॉप से पूरा टाइपिंग करके सब भक्तों को श्लोक वगैरह भेजना, और जो भी है सबको मैसेज भेजने के लिए, और ऑनलाइन क्लास करने के लिए, सबके लिए आप यूज करना अच्छा संभाल के। ठीक है,
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा यार, ये लोग हम लोग अभी अच्छा है, सभी चार धाम यात्रा जाता है, इधर बद्रीनाथ जाता है, सब कुछ जाता है, हम बस इधर ही है। हम भी जाने का था लेकिन क्या करे, बस हमारा बस ठीक है, बस इसी में बस क्या करे। लेकिन प्रसाद बहुत अच्छा था, भगवान के लिए मैं लेके जाने वाला था, इसलिए लिया था भगवान को भोग लगाने के लिए, लेकिन मेरा अभी मन लगता है मैं खुद ही खा ले, मैं खुद ही खा लूंगा, बस खुद ही खा लिया, बस भगवान छोड़ो, अभी तो मेरे को ज्यादा लगता है, लेकिन और भूख लगता है, इनसे ज्यादा लेने का था एक्चुअली, मैंने गलती कर दिया। और ये लोग इतना अच्छा एंजॉय करते हैं, लैपटॉप भी यूज करते हैं, मैं तो मेरे पास तो फोन भी नहीं है यार, क्या है यार, लेकिन फिर भी ठीक है, बस इसी में मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, बस यही जिंदगी है हमारा, बस ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम अभी इसके मृत्यु के पश्चात हम कहीं पे सडनली पहुंच जाते हैं, कोई धाम में, वैकुंठ धाम में कहीं पे, अरे मैं ये कहाँ आ गया, किस जगह में आ गया, देखिए हम लोग भगवान के पास आ गए ना। अच्छा, हम भगवान के धाम आ गए। हाँ। ओम प्रकाश प्रभु जी और अनीता और रमापति, आप सबको मैं बता दूं, मैं हूँ धर्मराज और रमापति दास, तुम जाओगे यहाँ से सीधा नरक, और नरक के बाद जब तुम अपने सारे पापों को भोग लोगे तो फिर तुम्हें दोबारा मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा, तो तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। यमधर्मराज, मैं सोचा था मेरे लिए भगवान का पार्षद आएगा, आप क्यों आया मेरे को, आप क्यों बुला रहे, हम तो इतना आप जैसा बोला हमने वैसे ही किया, हमने पूरा ये दुनिया से हम पूरा वैराग्य लेके मंदिर में बैठा, किधर भी नहीं गया, हम मंदिर में, ये कैसा हो सकता है, उनको तुम्हारा तुम्हारा वैराग्य जो था वह मिथ्या वैराग्य था, क्योंकि तुम मंदिर में थे परंतु तुम्हारा हृदय हमेशा संसार में भटकता रहता था। लेकिन लेकिन यम धर्मराज, मेरा शरीर को देखो, सूख गया, मैं कुछ नहीं खाया, क्या है, ये लोग इतना एंजॉय करके भगवान का धाम पहुंच गए, हम तो सूख गए, ना लैपटॉप मालूम है, ना जूम क्लास मालूम है, कुछ नहीं मालूम है हमको, ये कैसे हो सकता है। रमापति दास तुम्हारे संसार में भेजा था अपने कर्मों को पूरा करने के लिए और भगवान की सेवा करने के लिए, परंतु तुम्हारा तो किया मैंने। नहीं किया तुमने, तुम्हारा सारा तुम्हारी सेवा का भाव के पीछे तुम्हारी इंद्रतृप्ति रही और तुम्हारी इच्छाएं अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। तुम्हारे मन के भीतर आज भी घूमने की इच्छा है, लैपटॉप चलाने की इच्छा है, सुंदर सुंदर व्यंजन खाने की इच्छा है, तो तुम्हें है, लेकिन आपने बोला था त्याग करो, त्याग तो किया मैंने। नहीं, असली त्याग देखना है तो ओम प्रकाश और अनीता का देखो, जिन्होंने वे सारी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हुए भी उसके प्रति कभी मन में इच्छा नहीं रखी, क्यों, क्योंकि वे सारी वस्तुएं पहले वो भगवान को अर्पण करते थे, उन्होंने अगर सुंदर व्यंजन भी खाए तो भगवान के को अर्पण करके प्रसाद रूप में स्वीकार किया, वे घूमने भी गए तो भगवान के धाम में जाकर भगवान के दर्शन करे और वहां भगवान का नाम जप किया, वे अगर लैपटॉप आदि इन सबका इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो उन्होंने अपने भोग वृत्ति या मूवी देखने के लिए नहीं किया, उन्होंने ये सारे कार्यों को किया है भगवान की सेवा और गुरु की सेवा में, तो और उनके और अब जब उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा है तो उनके मन में कोई इच्छा नहीं है सिवाय भगवत सेवा के, इसीलिए उन दोनों को मैं आज भगवत धाम भेज ले जाऊंगा और तुम्हें मैं डालूंगा कुछ समय नरक में, क्योंकि तुमने बहुत सारे लोगों, तुमने मंदिर में रहकर भी बहुत चुगलियां करी हैं, दूसरे ब्रह्मचारियों को बहुत परेशान किया है, भगवान की सेवा में भी आनाकानी करी है और तुमने सदैव मन के अंदर बैर भाव रखा है, तो तुम्हें इन सभी पापों को भुगतने के लिए तो अब भगवत धाम नहीं मिलेगा। और ओम प्रकाश और अनीता, तुमसे भगवान अति प्रसन्न है क्योंकि तुमने गृहस्थ आश्रम में होकर भी भगवान को अपने घर का केंद्र बनाया है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं और साथ ही भगवान को अपने गृहस्थी का केंद्र बनाने के कारण सब कुछ भगवान को समर्पण कर दिया, अपने प्रत्येक कर्म को भगवान को समर्पण किया है। असली वैराग्य तो ये है क्योंकि तुम दोनों ने अपने लिए जीवन जिया ही नहीं, तो तुम दोनों आज से भगवत धाम जाओ। हे धर्मराज, मेरा बड़ा भूल हो गया, बस अगले जन्म अगर मेरे को मिलेगा तो मेरे को प्लीज कृपा करके कृष्ण भक्त बनाइए और हम सारे कुछ भगवान को भोग लगा के गुलाब जामुन सब खा के बस हम बहुत भगवान का धाम पहुंचेंगे, प्लीज आशीर्वाद दीजिए, गलती तो हो गया। अगर अगर तुम्हें अगला जन्म सुधारना है तो सबके साथ बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। रमापति प्रभु जी का फल्गु वैराग्य था और ओम प्रकाश प्रभु और माता जी का युक्त वैराग्य था, यही आपने दर्शाया ना। बहुत बहुत अच्छा आपने थीम ढूंढा इसका, लेकिन इसमें मैं एक छोटा सा
करेक्शन देना चाहूंगा वो ये है कि देखिए कभी भक्त नरक नहीं जाता है। भक्त को फिर से जन्म मिल सकता है लेकिन कभी भी भक्त को यमराज सपने में भी नहीं दिखाई देता। प्रभु जी हमने ना सॉरी प्रभु जी वो युधिष्ठिर महाराज का था ना कि उनको एक घड़ी के लिए जाना पड़ा था जब वो झूठ बोला था अश्वत्थामा हता वाला वहां से लिया कि मतलब उनको सिर्फ जाके आना है तो कि फिर मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा एक बारी ये हमने सोचा था कि नहीं जन्म तो मिल सकता है भक्त को लेकिन भक्त कभी ना तो उनको कभी यमदूत दिखते हैं ना कभी यमराज दिखते हैं। अगर उनको कुछ पनिशमेंट भी देना है तो वो भगवान ही देते हैं। ठीक है ओके। तो ग्रुप वन के लिए इन्होंने बहुत परिश्रम किया मेहनत की तो इसके लिए हम उनको एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर सराहना करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हमने बहुत हार्ड वर्क किया इसके पीछे। ग्रुप टू कृष्णा प्रभु जी ग्रुप टू का टास्क था कि कैसे एक भक्ति युक्त व्यक्ति शुद्ध शांति को प्राप्त करता है यह हमें श्लोक संख्या 7-12 के बीच में बताना है यानी इसमें पोएम या तो फिर चार्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रज विलासिनी माता जी ने एक सुंदर कविता लिखी है तो वह प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद जूही माता जी चार्ट के द्वारा प्रदर्शित करेंगे एवं निर्जा माता जी और आदिश्वर माधव प्रभु जी एक्सप्लेनेशन देंगे। हरि बोल। ये सब 5 मिनट में आप कर लेंगे प्रभु जी? यस हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी इतना अच्छा तो आता नहीं है लेकिन थोड़ी सी कोशिश किया है प्लीज गलत है तो आप हमें करेक्ट करना। कृष्ण ही भगवान कृष्ण को अर्पित भोजन ही प्रसाद प्रसाद करी बे जन चित्त होई बे मन प्रसाद करी बे जन चित्त होई बे मन चित्त शुद्ध होई बे मन ना भ्रमिते तो इंद्रिया सही मन ना भ्रमिते इंद्रिया संयमित रहिते इंद्रिया संयमित रहिते मन बुद्धि स्थिर होई बे मन बुद्धि स्थिर होई बे तो कृष्ण में मन लागी बे तो सब कुछ शुद्ध होई बे तो परम शांति प्राप्त पाई बे। हरे कृष्ण। सॉरी नहीं अच्छा बोला आपने बस थोड़ा कविता नहीं थी। ठीक है लेकिन लॉजिकली सही था। ठीक है माता जी आप चार्ट के द्वारा बताइए माता जी कृष्ण भावना अपने आसक्ति होने से हम कृष्ण की कथा का श्रवण करेंगे कृष्ण को अर्पित किया हुआ भोजन ग्रहण करेंगे और सिर्फ कृष्ण के बारे में ही चर्चा करेंगे। इससे हमारी इंद्रियां वश में रहेंगी और अगर हमारी इंद्रियां वश में रहेंगी तो हम शांति प्राप्त करेंगे और उससे हमें कृष्ण भावना प्राप्त होगी। हरे कृष्ण प्रभु जी हम 7 नंबर का श्लोका है उसके तात्पर्य में ही ये सब समझाया गया है प्रभुपाद जी द्वारा कि कैसे कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति सबका दास और प्रिय होता है और उसके कारण उसके जो कर वो अपने कर्म से हमेशा प्रसन्न रहता है वो अपने कर्म से प्रसन्न रहने के कारण उसकी चेतना हमेशा शुद्ध रहती है और उसकी चेतना शुद्ध रहने के कारण उसका मन जो है वो पूरी तरह नियंत्रण में रहता है और मन जो उसका पूरी तरह नियंत्रित में रहता है तो वो मन से कभी विचलित नहीं होता और मन से विचलित न होने के कारण उसके जो सारे कार्य है वो संयमित रह के वो कृष्ण भावनामृत के अंदर ही वो व्यक्ति कार्य करेगा और कृष्ण भावनामृत भावित होकर जब कार्य करेगा तो उसके कोई अपराध नहीं लगेगा और उसको कर्म फल की प्राप्ति नहीं होगी और जब कर्म बंध नहीं लगेगा तो वो कर्म बंध से मुक्त होकर शांति को प्राप्त करता है या अभय पद प्राप्त करता है। और 12 नंबर के श्लोका में तात्पर्य में यही बताया गया कि वो सारे कार्य कृष्ण भावनावृत में ही संपन्न किए जाते हैं उस कारण कर्म के फल के बंधन से मुक्त होकर वो शांति और अभय प्रद को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी।
ठीक है, कंप्लीट हो गया ग्रुप टू के? यस प्रभु जी। तो ग्रुप टू के लिए भी हम अपनी सराहना व्यक्त करते हैं एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, अभी ग्रुप थ्री। हरे कृष्णा, बोलिए मां। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, पहला है प्रभु जी, हम लोगों का क्वेश्चन था कि कैसे निष्काम कर्म योगी किस प्रकार कर्म करते हुए भी कर्म फल मुक्त होता है। ये हम लोगों भगवत सेवन टू ट्वेल्व तक तात्पर्यों से उपमाएं और संस्कृत श्लोकों से हम लोगों को समझाना था, तो हम लोगों ने ये करने की कोशिश करी है। प्रभु, हम लोगों में से तीन या फिर चार भक्त लोग जो इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले 5.7 भगवद गीता से बताएंगे। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। जो व्यक्ति जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो व्यक्ति जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों में प्रिय होता है। तो प्रभु जी, वह व्यक्ति भक्ति मतलब कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं बंधता। जैसे प्रभुपाद जी ने उपमा दी है इसमें परपोट में कि वृक्ष की जड़ में, वह व्यक्ति भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त टहनियों पत्तियों में फैल जाता है अथवा अमास्य को भोजन देने से स्वतः शरीर में फैल जाता है। जैसे उसमें हमें महाभारत के युद्ध में अर्जुन का एग्जांपल देखने को मिलता है प्रभु जी की। उन्होंने भगवान के निर्देशन में कार्य किया था, भगवान ने बोला कि तुम युद्ध करो तो उन्होंने युद्ध किया। तो उन्होंने युद्ध करते हुए भी उनको कोई कर्म का बंधन नहीं मिला। और वैसे जितने भी युद्ध भूमि में जितने भी वो योद्धा थे, बहुत सारे सैनिक थे, वो युद्ध करते हुए भी और देखा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टि से वो मरे नहीं थे, उनकी सिर्फ बॉडी चेंज हुई थी, वो कर्म बंधन में नहीं बंधे थे। तो ऐसा व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत के आदेश का पालन कर रहा है, वह कभी कर्म बंधन में नहीं बंधता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। 5.8 में प्रभु दिव्य संस्कृत श्लोक में ही भगवान ने दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष के बारे में बताया है, जिसके की अलग अलग इंद्रियों में वह कभी भी वह हमेशा ये जानता है कि अपने अंदर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता, सारे इंद्रियां जो है वो उसमें नहीं है। इसके बारे में भगवान बताते हैं इंद्रियों के बारे में। हरे कृष्ण। हरे बोल। हरे कृष्णा बाबू जी। बाबू जी, ये 5.9 में हम लोग जब ये समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ बताया गया कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है पर वो इन सबसे पृथक हैं। जैसे कि एग्जांपल बताते हैं कि बोलते त्यागते ग्रहण करते या आँख खोलते बंद करते हुए भी वो जानता है कि वो ये जानता रहता है कि भौतिक इंद्रिया अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है पर इन सबसे पृथक अलग अलग है। तो इसका मैंने प्रभु जी का एग्जाम्पल अपने गुरु महाराज जय पता का स्वामी महाराज का ही दिया हुआ है। वो एक बहुत ही अच्छी जलन उदाहरण है कि जैसे कि जो अपनी प्रेजेंट अवस्था में भी पूर्ण पूर्ण तरीके से कृष्ण भक्ति और सेवा में एकदम लीन लगे हुए हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जाम इन्हीं के गुरु महाराज की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हम ये सीख सकते हैं कि किस तरह हम अपने सारी इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। और इसमें फिर प्रपोर्ट में और एक बात बताई गई कि भाग्य से कुछ लेना देना नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी गुरु महाराज को पैरालिसिस भी हो गए हैं पर पैरालिसिस हो जाने के बाद में भी जो उनकी भगवान के प्रति जो भक्ति है और सेवा है वो कभी कम नहीं हुई, जबकि और ही ज्यादा बढ़ गई है। जैसे इसका कारण यही है कि भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहते हैं। हमारा जो निष्काम कर्म योगी होते हैं, जैसे आप भक्ति योगी पे बताते हैं कि एक निष्काम कर्म योग तो भक्ति योगी है, तो उसका जलन उदाहरण हम जयपता का स्वामी महाराज से ही समझ सकते हैं। और यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहे हैं किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है जो कि आध्यात्मिक है। मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है, इसमें हम समझ सकते हैं जैसे कि गुरु महाराज वर्ल्ड वाइड ट्रेवल कर रहे हैं, नॉन स्टॉप क्लासेस ले रहे हैं और यहाँ तक कि गुरु महाराज का इतना अच्छा दौरान भी है कि जब वो हॉस्पिटल बेड पे थे, हॉस्पिटल बेड पे भी उन्होंने क्लासेस दी और सबको कृष्ण भक्ति और कृष्ण सेवा में किस तरह तल्लीनता से अपनी इंद्रियों को लगाना है उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हमें वो दिखाया है। तो इस बात से प्रभु जी मैं ये समझाऊं। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। जो 10वें श्लोक में कहा गया है कि निष्काम कर्मयोगी अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पित करता है और उससे आसक्त रहता है और पाप कर्मों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता,
यहाँ पर कमल पत्र की उपमा दी गई है, कमल पत्र पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता है और वह जल में रहकर भी भीगता नहीं है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी ने परपट में तीन उपनिषद के बारे में श्लोक दिए हैं। मंडूक उपनिषद में लिखा है वेद मंत्र सर्व होत है ब्रह्म, मुंडक उपनिषद में लिखा है तस्मात एतद् ब्रह्म नाम रूप मंत्र च जायते, और ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुओं के जो स्वामी है वो स्वयं भगवान है, अतः सभी वस्तुएं भगवान की सेवा में ही नियोजित है। इस प्रकार अच्छे और बुरे कर्म के फलों का कोई प्रयोजन नहीं है। हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म करते हैं लेकिन उसका कारण स्वयं भगवान है, सर्व कारण कारणम। यदि हम इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो शरीर द्वारा किए गए कर्म शुभ और अशुभ से मुक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर तात्पर्य में कहा गया है कि भगवद गीता में 3:20 में भी कहते हैं मई सर्वाणी कर्माणी सन्यस्य आध्यात्म चे आध्यात्म चेतसा, अपने सारे कर्म मुझ पर समर्पित करो। और इस प्रकार कृष्ण भक्त निष्काम कर्म में लीन होकर भगवान की सेवा में मगन रहता है और इस प्रकार वो इस भाव बंधन को पार कर सकता है। प्रभु गो टू 11 माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं 11वां श्लोक के बारे में और 12वें श्लोक के बारे में बताना चाहती हूँ। 11वें श्लोक में ये शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों पे कंट्रोल करके और उसको कृष्ण भावना अमृत में लगा के कैसे कर्म बंधों से मुक्त होके मुक्त कैसे हो सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें शील रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भी बताया गया है कि अपने बताते हैं कि अपने शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा व्यक्ति इस संसार में भी मुक्ति रहता है और भले ही वह तथागतित अनेक भौतिक कार्यकल्पों में व्यस्त रहकर भी वो मुक्त रहता है। तो इस वो उसको पता है कि ये जो शरीर है वो उसका नहीं है, वो ये स्वयं कृष्ण का है। तो इससे इससे जो भी उसको मिलता है, शरीर से जो भी वो संपत्ति कमाता है या जो भी धन कमाता है वो भी कृष्णा की भक्ति में ही लगाता है। मन से बुद्धि से वाणी से जीवन की जो भी संपत्ति है वो भगवान के कृष्णा में के भक्ति में लगाएगा तो वो इन सब चीजों से भी मतलब कर्म करते हुए भी वो मुक्त रहता है, कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। और 12वें श्लोक में इसमें नैष्टिक श्लोक में संस्कृत वर्ड है नैष्टिकम मतलब अचल और फलो सक्तो जो फल से असक्त रहता है। तो इसमें दो तरह के लोगों का वर्णन किया गया है जो कृष्णा भावना अमृत में रहते हैं और जो देहात्मा बुद्धि लोग होते हैं। तो जो कृष्णा भावना अमृत में दो लोग होते हैं वो कृष्णा के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करते हैं और वह निश्चय ही मुक्ति पुरुष होते हैं। उनके कर्म फलों की कोई चिंता नहीं होती, उनको कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती है। और जो देहात्मा बुद्धि लोग होते हैं वो कृष्ण के प्रति आसक्त रहते हैं और अपने कर्मों के फलों के प्रति भी आसक्त रहते हैं। तो वो इसलिए मुक्ति प्राप्त नहीं मिलती है, उनको शांति नहीं रहती है, वो जो भी करें उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, उनको भी कुछ भी कर लें तो भी वो दुखी रहते हैं। ये समझा प्रभु जी, धन्यवाद। तो ग्रुप 3 के लिए भी हम अपनी सराहना व्यक्त करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है कि ये जो 7वां श्लोक है इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए, 5 मिनट लीजिए, फिर उसके बाद हम उस पर कुछ डिस्कशन करेंगे। 5 मिनट में पढ़ लीजिए, ठीक है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सातवें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे भगवान का एक भक्त होता है, वो सबके सबको प्रिय होता है। तो आपसे ये प्रश्न है कि क्या आपने, क्या ऐसे आप किसी भक्त से मिले हैं, कोई आपने ऐसा भक्त देखा है अपने जीवन में जो सबको बहुत प्रिय रहा हो? और प्रभुपाद का उदाहरण मत दीजिए, क्योंकि प्रभुपाद तो हमने हम मिले नहीं है प्रभुपाद से। हाँ उर्वशी माता जी। प्रभु जी हमने देखा है हमारे शिक्षा गुरु रामकृष्ण प्रभु और उनकी पत्नी सची माता जी, वो नाम से भी सची माता जी है और गुण से भी सची माता जी है। वो सबको प्रिय है, वो एक माँ की तरह हृदय रखती है। एक बार हम रामकृष्ण प्रभु से डरते हैं, पर सची माता जी से कभी नहीं डरते। हम तो नहीं डरते, हमारे बच्चे भी नहीं। मतलब अगर सच्ची माता जी कोई वाक्य कह दे तो वो हमारे बच्चों के लिए वो पत्थर की लकीर, मतलब भगवान की बोली गई वाणी है। वो कितना भी मुश्किल कार्य क्यों ना बोले, हम उस इतने अच्छे से कन्विंस हो जाते, इतना विश्वास करते हम उनके ऊपर कि अगर उन्होंने बोला है ना तो ये कार्य अवश्य होगा। कोई भी उनके पास प्रश्न लेके जाए, इतना प्यार से समाधान देती है। वो डांटती भी है तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि उसके डांटने में का भी एक अलग अंदाज है। उनकी कोई ऐसी बात हमको नहीं दिखती कि जो हम, ये मेरे नहीं, यहाँ उपस्थित जितने मेरे घर में जितने सदस्य हैं और मैंने जिसको भी सुना है, किसी को भी सची माता जी में प्रेम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। और उनकी बोले कथन को हम, मतलब हम हमारे माँ बाप का एक बार ना माने पर उनका हम अवश्य माने। हमारे सारे प्रश्नों का उनके पास समाधान है। और मैंने उनसे उत्तम व्यक्ति जीवन में मुझसे नहीं, मुझे नहीं मिला। उनका स्वरूप देखो, उनकी मन वचन का वाणी रूप, उनका रूप जो भी देखो, उनका व्यवहार सब में समानता है। बस यही बोलना है मुझे। जय जय धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। आदिश्वर माधव प्रभु। प्रभु जी यहाँ पे उपस्थित जितने भी भक्तगण हैं उनको आप यह प्रश्न पूछेंगे तो उनका सभी का यही जवाब रहेगा कि हमारे शिक्षा गुरु और उनकी पत्नी सच्ची माता जी। यानी प्रभु हम कहते ना कि उनके बहुत सारे बच्चे, कभी कभी हम सोचते हैं कि क्यों हम उनको परेशान करें कुछ छोटी छोटी बातें लेके, लेकिन प्रभु जी जब तक उनको ना पूछे तब तक हम, और भी बहुत रिलेटिव्स होते हैं, लेकिन प्रभु जी हमें अंदर से ऐसे फील होता है कि नहीं, हमारे जो प्रश्नों का समाधान है वो उनके पास ही है। इवन प्रभु जी जैसे माता जी ने बताया ना कि बच्चे, तो प्रभु जी वी आर टोटली डिपेंड ऑन देम। और प्रभु जी उनका जो मान कर्तव्य, उनकी वाणी, वह तो ठीक प्रभु जी, उनको देखने के लिए हम तरस जाते, उतना तेजोमय है प्रभु जी दोनों, माता जी और प्रभु जी। जय। और प्रभु जी ऐसे कभी हम लोग सोचते हैं कि देखिए हम सिर्फ अपना पढ़ते हैं तो कितना थक जाते हैं, लेकिन प्रभु जी और माता जी 24/7 दे themselves, उन्होंने बस भगवान को ही अपना जीवन समर्पित कर दिया है। और उसी के साथ साथ प्रभु जी उनके इतने सारे बच्चे, प्रभु जी हर एक का जो प्रश्न है, उनकी जो भौतिक समस्या है उनको भी वो निवारण करते हैं। तो हम सोचते हैं कि किस तरह उनको इतना समय मिलता है, हम सिर्फ अपनी अपनी तकलीफों में इतने उलझे रहते हैं। तो तभी प्रभु जी कहते हैं ना कि अगर आपने अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया है तो भगवान खुद यानी आपके लिए समय निकालेंगे। और प्रभु जी वी आर, हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह वो सब कुछ अच्छी तरह से सॉल्व कर पाते हैं प्रभु जी। एंड प्रभु जी एक मन की बात कहते हैं ना कि अगर प्रभु जी को देख लिया और उनके साथ माता जी को नहीं देखा तो हमें अधूरा लगता है। वी ऑलवेज वी वांट टू सी बोथ ऑफ देम टुगेदर प्रभु जी। यस हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। अब आपने राम कृष्ण प्रभु और सची माता उनके बारे में बताया, इनको छोड़कर किसी और भक्त को कोई और भक्त के बारे में बताना चाहें, ठीक है मैंने सुना बहुत अच्छा लगा, इनको छोड़कर कोई और किसी भक्त के बारे में बताना चाहते हैं क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस प्रभु। प्रभु जी हम बता सकते हैं? हाँ बोलिए प्रभु। कुछ और दूसरे भक्त?
जयस प्रभु, हम तो सारे भक्त जो भी हैं वो निस्वार्थी है, लेकिन हमको जो इंट्रोड्यूस किया है जैसा गोपी कृष्ण प्रभु और हमारा शिक्षा गुरु ने, उन्होंने शिक्षा दे रहे, उनसे हमारा जीवित से और जो हम जो मेटीरियली जो बेनिफिट ले रहे हैं उसका उनकी कोई लेना देना कुछ भी नहीं है प्रभु। वो लोग बस हमारा उद्धार के लिए हर टाइम तड़पते रहता है, कैसा इनको उद्धार करे, कैसा इनको समझाए कृष्ण के बारे में, कैसा इनको आगे लेके जाए। हम कभी पीछे बैठ भी जाता हूँ ना, भाई प्रभु हमसे थोड़ी होएगा, नहीं होएगा प्रभु, थोड़ा ये एक्सक्यूजेस बताते ना, वो बस क्लियर कर लेते हैं, नो एक्सक्यूजेस, बस आगे चलो, हो जाएगा, सब हो जाएगा, हम है ना साथ में, कोई टेंशन नहीं ले रहे, भगवान है, गुरुदेव है, चलिए। तो हमको ऐसा शक्ति आ जाता है वो जो कार्य हम संभव ही नहीं है मेरे जीवन में करने का, लेकिन अंतिम में वो जाके रिजल्ट आ जाता है, संभव हो गया भाई, रिजल्ट भी आ गया 100%। तो लेकिन हम इतना सोचते हैं यार, हमें अभी हमारा परिवार के अंदर कोई सभी लोग स्वार्थी होता है यार, कुछ उनको कुछ से कुछ बात करना है भी होगा ना, कुछ कारण से आता है, लेकिन ये भक्त ऐसा है उनके अंदर ना कुछ कारण ही नहीं है, वो बस वो हर टाइम सोचते हैं हम कुछ दे इनको, हम सोचते हैं रिटर्न उनको देने के लिए कोशिश करता हूँ, वो पीछे से और एक लेके देने के लिए कोशिश करता है। तो इसलिए भक्त के साथ हम कभी आगे कोई ठुकरा नहीं सकता है उसको लेने देने में, आगे वही होता है। तो हम ये सोचते हैं कोई दुनिया में ऐसा कोई है निस्वार्थ है तो ओनली वो कृष्ण भक्त है प्रभु, वो चाहे हमारा रामकृष्ण प्रभु हो, वो तो जड़ है, ये सारे जितना भी हम इधर आगे दिख रहे हैं वो सब वृक्ष की क्या बोलते हैं उसको, ब्रांचेस है, हा? लेकिन जितना भी है अगर कुछ निस्वार्थी है तो ओनली वो दुनिया में है ओनली कृष्ण भक्त है। जैसा उसकी एग्जाम्पल जैसा प्रभुपाद है, प्रभुपाद ने जितना वसुदेव कुटुंबम को पहले किधर किधर कई देश में किधर किधर भटकते रहता था हम लोग तमोगुण में, अभी उनको सत्व गुण में कृष्ण भावन में लेके आके एक अच्छा परिवार करके रख के चला गया, उससे कुछ उनको लेने देने था कुछ नहीं था, कुछ लेके गया कुछ नहीं लेके गया, वो है हमारा प्रभुपाद की वसुदेव कुटुंबकम। ऐसा कुछ है बोले तो ओनली कृष्णा भावना का ये सांगति है, बाकी कुछ ये दुनिया में सब स्वार्थी है प्रभु, निस्वार्थी है ओनली प्रभुपाद है और कृष्ण भक्त है। हरि बोल, थैंक यू प्रभु। अब क्या करेंगे, बस एक नाम बता दीजिए, बाकी मैं समझ गया कि अब जब प्रश्न में ही वो है कि वो सबके प्रिय हैं तो आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, बस नाम बता दीजिए तो उसके लिए फिर हम सबका इनपुट ले पाएंगे। आदिश्वर माधव प्रभु। कृष्ण प्रभु जी धन्वंत प्रणाम। प्रभु जी जैसे सभी लोग ने बताया हमारे शिक्षा गुरु रामकृष्ण प्रभु जी उनको छोड़ के, तो हमारे जो पहले शिक्षा गुरु थे जो उनके बारे में बताना चाहूंगा, शंकरशन प्रभु जी, जो हम लोग में फर्स्ट टाइम आई विल केम इन दुबई, तो हम लोग तो हम वहाँ दुबई में थे तो उनके साथ हमारा पहले से ही ये हुआ था, तो उनके हम लोग क्लासेस में जाते थे। प्रभु जी हमने देखा है कि वो इतने हम्बल थे, मतलब कहते ना कि जैसे हम लोग ने इसको ने बहुत सारे डिवोटी देखा है दे आर मेकिंग ग्रुपिज्म, लेकिन वो कभी भी उस ग्रुपिज्म में नहीं पढ़ते थे, सभी के साथ उनका व्यवहार भी बहुत ही अच्छा रहता था, बहुत ही ऐसे हम्बल थे। और उनका मैं रियलाइजेशन बताना चाहता हूँ कि प्रभु जी उनके जो ब्रदर इन लॉ थे, मतलब वो भी काफी क्लासेस में सेवा करते थे, लेकिन वो भी कभी भी कृष्ण भावना उनमें नहीं आते थे। तो जब भी हम लोग उनसे पूछते थे प्रभु जी आप सभी को इसमें ला रहे तो आपके ब्रदर इन लोगों को क्यों नहीं लेकर आए, तो बोलते शायद मुझ में ही कुछ कमी रह गई होगी ताकि मैं उससे समझा नहीं पा रहा हूँ। मतलब वो कहते ना कि वो अपने आप को ही दोषी ठहराते थे, वो बाकी लोग को नहीं बोलते थे कि वो क्यों नहीं आ रहा है, शायद अगर मुझ में ही कुछ खोट है इसलिए नहीं आ पा रहा है, लेकिन वो कहते कि वो आएगा भगवान का प्रसाद खा के उसमें भी कुछ स्वीकृति आएगी और आ सकते है। और आज वो ओमान में है और ओमान में भी काफी सारी सेवा करते हैं प्रभु जी, उनका हर एक दिन मतलब क्लासेस रहता है और एंगेज ही रहते हैं, और हमें भी वो गाइडेंस वहां से देते रहते कि आप कैसे अपने जीवन में मतलब बैठना है, अगर आप कुछ काम भी रहे तो आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कीजिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते ही रहिए जिससे आप कृष्णा कॉन्शियस में आगे बढ़ते रहोगे और भक्तों के संग में ही आप प्रगति कर सकते। तो मतलब उनका जो है कथन वो अभी भी याद है, और जैसे कोरोना चल रहे तो कहते थे कि प्रभु जी उनके कंपनी में कुछ भक्त थे जो LNT कैंप में रहते थे, 5 भक्त थे, तो उन्होंने उनको सहायता की थी, लेकिन जो भक्त भी नहीं थे तो उन जो भक्त ने उन्हें कहा प्रभु जी हमारे कैंप में और 100 लोग है जिसको कुछ सुविधा प्राप्त नहीं है, तो खुद जाकर उन्होंने सभी 100 लोगों को
इलेक्ट्रिक कैटल दी, सभी लोग को हल दी, मतलब बहुत सारी चीजें दी और उनको अच्छा गाइड किया, और आज उसमें से कुछ 70-80 लोग कोरोना से बाहर आ गए। मतलब उनमें जो भाव था वो निष्काम भाव था, कैसा नहीं कि मैं जिससे जानता हूँ उसी को ही हेल्प करो और बाकी लोग को ना करो। मतलब उनमें मैं देखा कि वो सभी को समान मानते हैं और जब भी उनको कुछ भी ऐसा सेवा का मौका मिलता है वो मौका नहीं जाने देता है। तो वी थैंक्स टू देम, और उन्होंने हमें रामकृष्ण प्रभु जी से इंट्रोड्यूस करवाया। मतलब कहते हैं ना कि मीन्स एक से बढ़कर एक, ऐसा उन्होंने हमने पाया कि हमारे जीवन में तो ऐसे जो है गुरु, हम दोनों को ही गुरु मानते हैं और जो भी हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उन्हीं से डिस्कस करते हैं और दे आर गिविंग अ वेरी गुड गाइडेंस टू हाउ टू लिव द लाइफ। तो बस वही हम रामकृष्ण प्रभु, सच्ची माता जी और शंकरसेन प्रभु, ये सभी के लिए बस कृष्ण भावनामृत में हमें लाने वाले वही है और इनके लिए हम लोग 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र भी बोल रहे हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। अभी हमारे पास समय बहुत कम है तो हम या तो एक एक काम कर सकते हैं कि आपसे सुन सकते हैं या फिर कुछ प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। प्रभु मैं कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए आप डिसाइड करिए, आप बताइए मैं सुनूंगा, लेकिन फिर हम प्रश्न उत्तर नहीं करेंगे। मैं 2 मिनट दूंगा प्रभु, 2 मिनट भक्तों को चांस है बोलने का, क्योंकि मेरा प्रश्न ये था कि आपको नाम बताना है लेकिन आप रियलाइजेशन बताने लगे तो फिर उस पर टाइम लग जाता है। नहीं प्रभु मैं सिर्फ नाम ही बताऊंगा। नाम बता दीजिए, 1 सेकंड में नाम बता सकते हैं आप। None other than my wife Akashi Ranga Devi Devi Dasi। चलिए उनके उनके एक दो एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको। हम लोग वो हमारे घर 50 से लेकर 55 लोग तक भक्ति भिक्षा में आते हैं एंड माता जी यूज टू कुक एलोन एंड माता जी इज नॉट गिविंग दैट सर्विस टू एनीबॉडी और क्लास को इस तरह से अटेंड करती है। और एक बार एक दो घटना और बताऊंगा। जब हम विशाखापट्टनम जा रहे थे सिंघाचलम से तो हम लोग एक ट्रेन में थे तो वहां पर जैसे ही टीटी आया तो माता जी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मेदारी था। उन्होंने पहले टीटी को टिकट चेक करने के बजाय उन्होंने पहले बुक के बारे में बताया और टिकट टीटी बोला कि माता जी वेट, लेट मी फिनिश माई जॉब देन आई विल कम टू यू। माता जी बोली ओके आई विल वेट फॉर यू and you believe or not after 2 hours TT came back and then Mataji praised her him और उसने दो बुक भी खरीदी। और उसके बाद तो एक तो हाइट हो गया, जब हम ऋषिकेश में थे तो वहां पर लाइन में रहना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए आगे जाने के लिए चार धाम यात्रा के लिए एंड वी वर देयर एंड माताजी वाट शी स्टार्टेड प्रीचिंग टू ए पुलिस पर्सन, पुलिस वाज देयर एंड वहां जाके उनको बातचीत करना शुरू किया कृष्ण भावनामृत में और इतना हो गया कि वो पुलिस वाले ने बाद में क्या किया एक बुक खरीद ली। तो मैं थोड़ा डरा हुआ था, मैं माता जी के पीछे पीछे ही रहता हूँ नॉर्मली कि क्या कहते हैं आप इस तरह से क्यों हो गए। नो आप किसी से भी कृष्ण के बारे में बात कर सकते हो, नोबडी विल टेल नोबडी विल फील बैड। तो इस तरह का अनुभव है मेरा उनके बारे में। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर लेकिन समय हमारे पास कम है। प्रभु जी मैं एक बताना चाहूंगा, प्रभु जी मेरी इच्छा है। नाम बता दीजिए बस, फिर नाम बता दीजिए। सबको आकर्षित करते हैं ये तो हम समझ ही रहे हैं, आप बस नाम बता। जयपदा का स्वामी महाराज जय। बहुत अच्छा गुरु जी, मैं भी एक नाम बताना चाहता हूँ। हमारे लिए सब भक्त तो है ही, साथ में आपको दिख के भी ऐसा लगता है कि आपके साथ कभी भी कोई भी जीव ऐसा दृश्य नहीं करता होगा, क्योंकि आपने ज्ञान में डुबकी लगा के आए प्रभु जी। हम आपको दिख के भी हम धन्य हो गए। हरे कृष्ण। जो भक्त मेरे साथ रहते हैं उनसे बात करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी हमारा प्रश्न ये है कि ऐसा भक्त जो सबको प्रिय है जो मेरे साथ रहते हैं उनसे बात करिए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ माता जी बस नाम बताइए। हाँ प्रभु जी, हमारे जो एक ही सेंटेंस में बताऊंगी, जैसे हमारे शिक्षा गुरु रामकृष्ण प्रभु और सच्ची माता जी जो है उसी का ही, मतलब मेरे पास वो शब्द अलंकार नहीं है कि कैसे उसको बता पाऊं, उसी का ही प्रतिबिंब
या जो है वो है हमारे गोप कुमार प्रभु जी और गोपी प्रिया माता जी, तो उसको हम इस तरह से ही शिक्षा गुरु के रूप में ही समझते हैं। और उनसे कभी कभी लगता है कि माता पिता के पास जाएंगे, कुछ ऐसी समस्या है कि उनको नहीं बता पाते हैं, तो उनके बदले हम यहाँ पे चले जाते हैं, तो हमारा समस्या का निवारण हो जाता है। और आज मैं अभी मेरे लिस्ट में मैं देखूंगी तो गोप रामकृष्ण प्रभु, सच्ची माता जी, गोप कुमार प्रभु जी, गोपी प्रिया माता जी, वो मेरे हमारे शिक्षा गुरु है। ऐसे आज हमारे सभी के प्रिय, हमारे प्रिय महाराज प्रभु, वो भी हमारे लिस्ट में शामिल हो गए हैं अभी, तो हम उनको कभी भी नहीं भूल पाएंगे हमारे जीवन के अंत समय तक। और यहाँ पे उपस्थित सारे जो भक्तगण हैं वो भी इतने ही प्रिय है, कोई भी मतलब जो प्रियतम शब्द जो बोलते हैं ना कि कोई भी प्लस माइनस में नहीं जाता है, हर एक व्यक्ति इस तरह का ही सर पे प्रिय है सभी के लिए। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। बस एक नाम बताना चाहूंगी, मेरी नानी, बस वो कृष्ण भावनामृत में नहीं थे प्रभु जी, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है ना सबको प्रिय, तो प्रभु जी कोई भी हमने नहीं देखा दूर दूर तक, इवन नॉट रिलेशन, लेकिन कास्ट में भी किसी को नहीं देखा कि उनके बारे में बोल सके, यानी हम उनके पास से भक्ति सीख सकते हैं, बस मैंने ऐसे उनको देखा है प्रभु जी। हरे बोल। दो और हाथ खड़े हैं, ठीक है। उत्तमांगी मालिनी माता जी। कृष्ण प्रभु जी, मैं वही बोल रहा हूँ, तो रजविलास ने माता जी बोल दिया, रामकृष्ण प्रभु सच्ची माता जी ने इतना साथ देता है हम लोग को, वही है इसीलिए हम लोग ये भक्ति में आगे पढ़ने का अवसर मिल गया, चांस मिल गया प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। पूनम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सब लोग प्रभु, रामकृष्ण प्रभु और सच्ची माता जी तो है ही, वो तो हमारे गुरु हैं, उसके अलावा हमारे फ्रेंड्स भी हैं जो कृष्ण भावनामृत में हैं, तो उनमें से दो फ्रेंड्स हैं मेरे, जो एक तो हमारे कंचनवरण माता जी हैं जो इंग्लिश क्लास में आती हैं, और एक अनिता रवि माता जी हैं। तो कंचनवरण माता जी ऐसी हैं कि जैसे कि मैं जब स्टार्टिंग में अभी कृष्ण भावनामृत में नहीं थी तो वो मुझे सेवा देती थी, उनको पता कि इसको सेवा कोई भी देते कर लेती है, तो मुझे वो रियलाइज कराया उन्होंने कि हाँ तुझमें कृष्ण भक्ति है, तुझमें कृष्ण भक्ति है, तुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता, नहीं तो भक्ति नहीं होती, तो तू सेवा भी नहीं करती, कोई बहाना लेके निकल जाती है ना। तो ऐसे करते करते केवल हमें मालूम नहीं होता है कि हम में है कुछ और हमें हम कर सकते हैं, तो वो एक सेल्फ रियलाइजेशन में काफी, मतलब फ्रेंड होते हुए भी उन्होंने काफी बार मुझे ये चीज रियलाइज कराया, मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटे में बड़ी खूबियां देखती हैं वो भी, और सच्ची माता जी भी, तो वो हैं। और एक अनिता रवि माता जी हैं, उनके घर कभी जाओगे आप तो वो रोक के रखती हैं, बोलती है नहीं प्रसादम खा के जाना, प्रसादम खा के जाना। तो कई बार तो कहीं जल्दीबाजी में रहते हैं तो हम लोग उनके घर जाते हुए सोचते हैं अभी हम जाएंगे तो दो घंटे तक बैठा के रखेंगे, बिना खिलाए भेजती नहीं है वो, और इसी की वजह से उनका इतना भाव है, लोगों को इतना अपने घर पे बुलाती हैं, इवन क्लास भी होता है, आप बच्चों का क्लास हो, बड़ों का क्लास हो, सब स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, कोई फर्स्ट टाइम भी जाएगा उनके घर पे तो इतने लोग होते हैं, उनकी ये सेवा भाव देखते हैं ना हम लोग, तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि नहीं हमें भी ऐसा करना चाहिए इतना। और वो इतना पेन लेती है वो, उनके हस्बैंड, इवन वो दामोदर आरती होती है तो दुबई के ग्रुप के लोग भी दामोदर आरती उनके घर पे करते हैं, और शारजहां के लोग भी आके दामोदर आरती उधर करते हैं, तो एक सौभाग्य महसूस होता है कि भाई हाँ इतने अच्छे डिवोटीज के साथ हम लोग एसोसिएट में है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे डिवोटी देख के मोटिवेशन देते हैं हमें कि हमें और कैसे अपने आप में चेंजेस करने चाहिए भक्ति के लिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। नीरजा जोशी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे दाक्षी माता ने अपनी नानी के बारे में बताया तो मुझे भी थोड़ा याद आ गया कि वो, यानी हमारे गुजरात में वो परम पूज्य डोंगरे जी महाराज, वो बहुत अच्छे भक्त हुए और उनकी बहुत सारी कथाएं उस टाइम पे चल रही थी जब मैं छोटी थी। तो मेरी जो नानी थी तो एक बार ये हुआ कि उनके 7 दिन तक कथा चलने वाली थी और मैं बहुत छोटी थी तो मुझे भी वो लेके साथ में जाती थी। तो वहां पे एक वो पूरा 7 दिन तक उपवास रखती थी और कुछ भी, यानी फ्रूट के अलावा और कुछ नहीं खाती थी। तो उनको प्रेशर की भी इतनी प्रॉब्लम थी,
तो फिर भी यानी पूरा, और वो जब उस टाइम कथा चलती थी ना तो वो मॉर्निंग से लेके शाम तक चलती थी, और दोपहर में सिर्फ आधा घंटे का ही टाइम ब्रेक मिलता था। तो उस टाइम एक बार ये हुआ कि उनका प्रेशर एकदम से बढ़ गया, और मुझे इसलिए अभी एकदम याद आ गया कि फिर उनको यार एकदम सांस लेने भी उनका तकलीफ होने लगी। फिर एक भक्त थे वहां पे, उनका घर नजदीक में था, तो उन्होंने नींबू पानी और सब मेरी नानी को पिलाया, और फिर वो थोड़ा अच्छा उनको फील हुआ। और फिर मैं भी घर पे भी देखते रहती थी कि वो एक छोटी सी किताब दी हुई थी वो महाराज ने, डोंगरे जी महाराज ने, और वो उसमें हरे कृष्णा महामंत्र का वो जाप लिखा हुआ होता था। और मैं छोटी थी तब से देखती थी कि वो अपनी एक छोटी सी रूम थी वहां पे बैठ के वही उसका ही जाप करती थी। तो थैंक्स दक्षी माता जी, मुझे भी याद आ गई अपनी नानी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ठीक है, अभी दो हाथ और खड़े हैं। आदिश्वर माधव प्रभु। प्रभु जी मेरा तो प्रश्न है, प्रभु जी पूछ सकता हूँ? हरि बोल प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे श्लोका नंबर 5.2 में बताया कि सांख्य योग और भक्ति योग दोनों का मार्ग एक ही है, मतलब भगवत को प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जैसे जानते कि सांख्य योग मतलब मायावादी लोग है, तो वहां तो खाली ब्रह्म ज्योति तक ही जा सकते, तो वैकुंठ तक कैसे पहुंचते प्रभु जी, इफ दे आर वो अगर निष्क्रिय होते हुए भी? नहीं देखिए, सांख्य, सांख का अर्थ होता है काउंटिंग, संख्या, संख्या मतलब काउंटिंग। तो सांख्य तो ऐसा है कि सांख्य से, सांख्य के द्वारा ये समझ जाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो, देखिए किसी किसी को ये समझ में आ गया मैं शरीर नहीं हूँ तो वो भगवान की भक्ति भी कर सकता है, और यदि वो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है तो वो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं उस ब्रह्मन का एक अंश हूँ, ब्रह्मन में जाके लीन होऊंगा, तो उसकी संगति भी निर्भर करता है। अगर उसको भक्तों का संग मिल गया तो भगवान के भक्ति करके भगवान के धाम भी चला जाएगा। तो ये सब ना छठे अध्याय में और ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे सांख्य से भी, जो ये कपिल देव तीसरे स्कंद में भागवतम में कपिल देव बताते हैं कि जो सांख्य योग के द्वारा कैसे हम भक्ति तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि सांख्य योग से आपको समझ में आ जाता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है और हम भगवान का अंश है। भगवान का अंश ये समझना तो भक्त की कृपा से ही, भक्त के संगत से ही संभव है। तो उसके बाद अपनी चॉइस है आप क्या करना चाहते हैं आगे, है ना। तो सांख्य अपने आप में नास्तिकता नहीं है, लेकिन आपकी संगत कैसी है उस पर निर्भर करता है। भक्तों के संग में आके जैसे दो प्रकार के सांख्य दिए हैं शास्त्रों में, और दोनों कपिल मुनि ने दिए, दोनों कपिल मुनि हैं, एक नास्तिक कपिल हैं और एक विष्णु के अवतार कपिल हैं जो देवहूति के पुत्र थे, देवहूति और कर्दम मुनि के पुत्र थे, वो विष्णु के अवतार थे। तो जो देवहूति के पुत्र कपिल ने जो सांख्य दिया है वो भक्ति योग से अलग नहीं है। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था ना, भगवान बता रहे थे ना कि ये जो सांख्य, प्रभुपाद ने एक तात्पर्य में लिखा था जो सांख्य कपिल देव ने दिया है और जो मैं सांख्य यहाँ पर बता रहा हूँ वो अभिन्न है, सेम। यहाँ समझ सकते हैं कि सांख्य योग विधि द्वारा फिर वहां भक्ति योग में आ सकता है और भक्ति योग से ही वो पहुंच सकता है। सब योगों की पराकाष्ठा भक्ति योग ही है, अल्टीमेटली ये सब घूम फिर के वहां पर आएंगे। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के बाद जब उनको ये ज्ञान उपजेगा, वासुदेवम सर्वमिति, जब ये ज्ञान उनको उपजेगा कि वासुदेव ही सब कुछ हैं, तब जाकर वो भगवान की शरणागत होंगे। तो प्रभुपाद इसका एक उदाहरण देते हैं, जैसे जो जितने भी प्रकार के योग हैं वो सीढ़ी के समान है, सीढ़ियाँ चढ़ के, और एक बिल्डिंग है मान लीजिए 100 फ्लोर ऊंची बिल्डिंग है, 100 फ्लोर, तो उसमें आप सीढ़ी चढ़ चढ़ के जाइए एक एक योग का प्रैक्टिस करते हुए, या फिर आप लिफ्ट पकड़िए सीधा लिफ्ट से ऊपर, तो भक्ति योग का लिफ्ट सीधा ऊपर ले जाता है। उर्वशी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे सिर्फ आपको थैंक यू बोलना है कि आपने जो ये प्रश्न पूछा ना, इस कारण से सुबह सुबह इतने सारे हरिभक्त, शुद्ध भक्तों का चिंतन हुआ, मुंह से उनका नाम निकला और हृदय बहुत ही हल्का हो गया। आज लगा कि पूरे परिवार को एक साथ मिल लिया।
उसके लिए आपको थैंक यू बोलना। और यहाँ इस ग्रुप में 90% लोग है ना वो सबके प्रिय है, और जिसमें मैं सबसे पहले आपको रखती हूँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, आज के लिए समाप्त करें, किसी का और तो कोई प्रश्न नहीं है ना? दीपक प्रभु का प्रश्न है। हाँ जी, प्रश्न है लेकिन कल पूछेंगे प्रभु। हरे कृष्ण। दीपक प्रभु, दीपक प्रभु ने हाथ खड़ा किया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि आपने बताया प्रभुपाद जी ने पूरे गीता अध्याय में ज्यादातर भक्ति योग को बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है, और जहाँ जहाँ निष्काम योग भी आया है वहां पर प्रभुपाद जी ने भक्ति योग को ही प्रेजेंट किया है, निष्काम योग को बहुत कम प्रेजेंट किया है, बहुत ज्यादा कम। तो प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि प्रभुपाद जी निष्काम कर्म योग और भक्ति योग में कुछ अंतर समझते थे, या उनका क्या कारण है कि भक्ति योग को ही बहुत ज्यादा उन्होंने जो भी हुआ है तो उनको भक्ति योग की तरफ भी डायरेक्ट किया है? देखिए, भक्ति योग ज्यादा व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, इसलिए प्रभुपाद ने भक्ति योग ही वहां पर दिया। निष्काम कर्मयोग का मतलब है कि आप अपने कर्म फल को किसी दिव्य उद्देश्य के लिए समर्पित करो। तो एक भक्त के लिए वो दिव्य उद्देश्य कृष्ण है, तो प्रभुपाद हर जगह जहां पर भी निष्काम कर्मयोग आता है वो कृष्ण भावनामृति डाल देते हैं। ज्यादा प्रभुपाद ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जा रहे हैं, प्रभुपाद के पास उतना समय भी नहीं था ना। प्रभुपाद बहुत वृद्धावस्था में उन्होंने भगवद गीता लिखी थी, उनके पास इतना समय भी नहीं था, वो तो एक भक्ति योग के आचार्य थे, तो उन्होंने सब बहुत प्रैक्टिकल करके बताया। अब आप निष्काम कर्मयोग की टेक्निकलिटीज में जाएंगे तो आधे लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ, पहली एक ये बात। और दूसरी बात ये कि कृष्ण स्वयं 18वें अध्याय में जाकर 66 नंबर श्लोक में जाकर सब निष्काम कर्मयोग ज्ञान योग सांग सबको झाड़ू लगा देते हैं, सीधा मुझे सरेंडर करो। तो जो 18वें अध्याय में कृष्ण जाकर बोलते हैं वो प्रभुपाद पहले अध्याय के पहले श्लोक से ही बोलना शुरू कर देते हैं। पर ऐसा तो नहीं ना कि प्रभुपाद जी भक्ति योग को और भक्ति योग को निष्काम कर्म योग से थोड़ा अलग समझते हैं, क्या ऐसा कुछ समझ सकते हैं? उनके लिए कोई डिफरेंस था? नहीं, देखिये टेक्निकली डिफरेंस तो है, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे लिए प्रैक्टिकली निष्काम कर्म योग मतलब भक्ति योग। टेक्निकल डिफरेंस क्या है ये एक्चुअली छठे अध्याय में और क्लियर होगा, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। निष्काम कर्म योग में कर्म से आ सकती है, फल से अनासक्ति है। कर्म से आ सकती है, फल से विरक्ति है। भक्ति योग में कर्म से भी विरक्ति है, फल से भी विरक्ति है, यानी वो भक्त भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि वो कर्म से भी आसक्त नहीं है और फल से तो विरक्त है ही। तो इस प्रकार से एक भक्ति योगी निष्काम कर्म योगी से श्रेष्ठ है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, ये सुनना चाहता था मैं, थैंक यू सो मच। प्रभु जी सिर्फ यहाँ एक बात मुझे पूछनी है, आप हमेशा जब भी ये व्याख्या करते हैं निष्काम कर्म योगी की तो आप ये शब्द यूज करते हैं कि उस जब व्यक्ति जो निष्काम कर्म योगी फल को किसी उच्च उद्देश्य के लिए ब्रह्मन परमात्मा और भगवान को अर्पित करता है, उसमें भी भगवान को करता है, तब यह भक्ति होगी। आप तीन नाम क्यों लेते हैं फिर? क्योंकि फिर जैसे कोई ब्रह्मन को जिसने उद्देश्य बनाया हुआ है और ब्रह्मन के लिए कार्य कर रहे हैं, उसको भी हम निष्काम कर्म योगी के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए ना, नहीं तो फिर वो हट जाएगा उसकी परिभाषा से। तो तीनों हैं। तो भक्ति योग में सिर्फ भगवान होते हैं, ये तो नहीं होते हैं। तीनों होते हैं? नहीं नहीं, केवल भगवान, खाली भगवान। भक्ति क्या है? भक्ति भगवान और भक्त का संबंध है, केवल तो भगवान होते हैं, ब्रह्मन परमात्मा नहीं। नहीं, अच्छा, तो भक्ति योग में खाली इस तीनों में से सिर्फ भगवान को ही चुनेंगे और निष्काम कर्म योग में तीनों को बोल सकते हैं। टेक्निकली, हाँ टेक्निकली, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोगों के लिए निष्काम कर्म योग क्या है? भगवान कर्म करो, भगवान को फल अर्पित करो, कृष्ण को फल अर्पित करो। एक भक्त के लिए ये ही निष्काम कर्म योग। अब ठीक है, और निष्काम कर्म योग से बढ़कर भी एक भक्ति योग है जिसमें कर्म से भी आसक्ति नहीं है, फल से भी आसक्ति नहीं है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं वो है
जो भक्ति के नाइन फोल्ड प्रोसेस होते हैं ना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वो सब, उस पर जो केंद्रित भक्ति योग होता है वो निष्काम कर्म योग से बढ़कर है। तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि हम सोचने लगते हैं कि अच्छा भक्ति योग बढ़कर है तो मैं श्रवणम कीर्तनम यही सब करूंगा और भगवान को कर्म फल अर्पित नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो थोड़ा नीचे हो गया ना। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं होता है, कभी कभी इससे गड़बड़ भी हो जाती है, क्योंकि हमारा अभी उतना शुद्धिकरण हुआ नहीं है कि हम पूरा दिन तो श्रवण कीर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें कृष्ण पर केंद्रित निष्काम कर्म योग भी करना होता है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कृष्ण पर केंद्रित निष्काम कर्म योग से बढ़कर है भक्ति योग। अब यहां पर डिफरेंस आ गया। अभी तक मैं यही बोलता जा रहा था कि निष्काम कर्म योग भक्ति योग एक ही है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस आ गया। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, समझ गए। तो क्यों प्रभुपाद उसको भक्ति योग बोल रहे हैं, निष्काम कर्म योग को? क्योंकि हमारे लिए प्रैक्टिकल वही है। कितने हरिदास ठाकुर हैं इस दुनिया में जो पूरा दिन जप करते रहेंगे? प्रैक्टिकली तो नहीं कर सकते ना हम लोग। तो इसलिए वो जो निष्काम कर्म योग जो कृष्ण पर केंद्रित है वही हम अपना ज्यादा करते हैं। ठीक है, अपना 16 माला करते हैं, थोड़ा विग्रह का सेवा कर लेते हैं, और उसके अलावा फिर कर्म फल को भगवान को अर्पित कर। आदिश्वर माधव प्रभु जी, मैं कल ही अपना क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि आई थिंक बस आज के क्लास के संबंधित था कि योग जो हम लोग कर्म योग फिर ये सब योग see this in the practical in our life, तो उसके बारे में प्रभु जी कल मैं आपसे चर्चा करूंगी प्रभु जी। ठीक है माता जी। ओके, पूनम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे ब्राह्मण परमात्मा और भगवान, तो ब्राह्मण पूजने वाले तो जैसे ब्रह्म कुमारी के जो होते हैं, ब्रह्म कुमारी वाले होते हैं, वो होते हैं ना जो आते हैं, तो भगवान को मानने वाले जैसे कृष्ण भावना अमृत हो गए, तो परमात्मा को मानने वाले कौन किसको मानते हैं, मतलब वो किसकी पूजा करते हैं? वो पूजा नहीं करते माता जी, वो अष्टांग योगा करते हैं। छठे अध्याय जो है पूरा ध्यान योग उसी पर है। अष्टांग योग का उद्देश्य होता है परमात्मा की उपासना करना। परमात्मा की उपासना मतलब वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग होते हैं। छठे अध्याय में और हमें स्पष्ट हो जाएगा। 8 अंगों का जो कल्मिनेशन है, पराकाष्ठा है, वो है समाधि। और समाधि में उनको परमात्मा के दर्शन होते हैं, अपने हृदय, जो हृदय का जो स्थान है जहाँ पर हृदय होता है हमारा, वहां पर परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो वो मतलब किसी रूप को या उस परमात्मा को ध्यान लगाते हैं, मतलब कहीं बैठ के ऐसा समझे? हाँ, वो ओम पर ध्यान लगाते हैं। ओम पर ध्यान लगाते हैं, साथ में प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम करने से मन नियंत्रित हो जाता है। मन नियंत्रित हो जाता है तो मन जब पूरी तरह से नियंत्रित हो जाता है तो समाधि में जा सकते हैं। और जब समाधि लग जाती है तो हम सबके हृदय में परमात्मा विद्यमान है, लेकिन जो समाधि में जा सकते हैं वो परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। मतलब ये डिफरेंस समझेंगे कि जैसे कि जो ब्रह्म वाले हैं वो आत्मा को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और जो परमात्मा वाले हैं वो मतलब किसी इसमें वर्ड पे फोकस करके उसका ध्यान लगाते हैं और इंद्रियों कंट्रोल करते हैं, और जो कृष्ण भावना अमृत भगवान को देखते हैं वो विग्रह की भी पूजा करते हैं और हर चीज में भगवान को देखते हैं। ये समझेंगे? परफेक्ट, सही। थैंक यू। व्रज विलासिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, अभी जैसे माता जी ने बताया, पूनम माता जी ने, तो परमात्मा का जो है वो वैकुंठ तक पहुंचते हैं परमात्मा के रूप को जानने वाले? वैकुंठ तक पहुंच सकते हैं। हाँ, देखिए उनका ऐसा होता है कि समाधि अवस्था में उनको जब परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं हृदय में, तो यदि वो, मैंने शायद पहले भी बताया था, यदि वो भाग्यशाली हैं और किसी भक्त के संग में आए तो वो ये जानेंगे कि परमात्मा भी भगवान का ही एक विस्तार है, एक एक्सपेंशन है। अगर वो ऐसा समझ लिए तो वैकुंठ जाते हैं, क्योंकि परमात्मा दिखने में बहुत सुंदर हैं जो हमारे हृदय में विद्यमान है, तो उनको परमात्मा के प्रति एक सराहना, एक एप्रिसिएशन डेवलप हो जाती है, जिसके कारण वो शांत रस भक्ति में फिर
संलग्न हो जाते हैं और शांतरस भक्ति के कारण वो वैकुंठ जाते हैं। और यदि वो दुर्भाग्यशाली हैं तो उनको फिर मायावादी धारणा रहती है कि ये जो हृदय में दिख रहा है चतुर्भुज रूप ये मैं ही हूँ। यदि ऐसी धारणा हुई तो फिर वो ब्रह्म में जाते हैं, तो ब्रह्मन में लीन हो जाते हैं। उसके बाद नीरजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि ब्रह्म परमात्मा और भगवान तीनों, वैसे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सब में और भगवान परिपूर्ण अवस्था में है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो ब्रह्मन स्वरूप है वो भगवान से निकली हुई ज्योत के स्वरूप है, ऐसा समझ सकते हैं। और जो सगुण साकार रूप है जिसमें नाम रूप लीला गुण सब आते हैं वो भगवान श्री कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। लेकिन वो परमात्मा का स्वरूप प्रभु जी, उसमें हम कैसे उसको समझ सकते हैं, उनका कोई फॉर्म या ऐसा कुछ आप बता सकते हो प्रभु जी? हाँ माता जी, ये जब योगी ध्यानावस्था तद्गते न मनसा पश्यन्ति यम योगिना, तो योगी होते हैं जब समाधि में स्थित होते हैं तो भगवान का चतुर्भुज रूप देते हैं, भगवान विष्णु ही होते हैं वो, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म लिए होते हैं अपने चार हाथों में। और हमारे हृदय में यहाँ पर, अब ये मुझे तो दिखता नहीं है लेकिन ऐसा शास्त्रों में लिखा है, तो यहाँ पर हमारे हृदय में विद्यमान होते हैं। जब हमारा मन यदि पूरा शांत हो जाए तो उनके दर्शन हम भी कर सकते हैं। सबके हृदय में परमात्मा है पर वो एक मैकेनिकल प्रोसेस से अपने मन को पूरा कंट्रोल कर लेते हैं योगी, तो उनको ऐसे दर्शन हो जाते हैं। हाँ प्रभु जी, तो परमात्मा का जो स्वरूप है वो चतुर्भुज स्वरूप है, ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं। जो माता जी यानी पहले भगवान का जब आविर्भाव हुआ तो वो चतुर्भुज स्वरूप में आए थे, फिर उन्होंने भगवान, माता जी ने भगवान को प्रार्थना की तो फिर द्विभुज स्वरूप में आ गए थे, ठीक है। हरे हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। आदिश्वर माधव प्रभु। माता जी म्यूट। हरे कृष्णा। फिर म्यूट हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, सुनाई दे रहा है प्रभु जी अभी? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है प्रभु जी। पहले मुझे लग रहा था क्लास का टाइमिंग बहुत हो गया है तो मैंने सोचा आपसे प्रश्न नहीं पूछूं, लेकिन अभी पूछ सकती हूँ ना प्रभु जी? ठीक है, पूछ लीजिए माता जी। जैसे प्रभु जी हम लोग अभी योगों के बारे में कि निष्काम कर्म योग, अकर्म कर्म, तो काफी सारी चीजें सीखते हैं, लेकिन प्रभु जी जब तक यानी दिस वी हैव टू सी विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आल्सो, राइट प्रभु जी? कि तो प्रभु जी जैसे हम लोग तो एजुकेटेड है और लेक्चर अटेंड करते हैं जहाँ पे हम लोग यह योगाभ्यास शब्दों द्वारा हम लोग समझ सकते हैं और फिर देखते हैं कि हम लोग वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, इट इज अ स्लो क्रमबद्ध प्रोसेस। लेकिन प्रभु जी जैसे हम देखते हैं कि हमारे यानी प्रभु जी दिस इज माय रियलाइजेशन और यह आपसे पूछना भी है, प्रश्न भी है कि हम लोग हमारे जो बुजुर्ग है, हमारे जो परिवारजन है जैसे नानी दादी, वो पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही उनको शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन हाँ जैसे कथा सुनते थे, हमारी पहले की जो सतयुग और सब द्वापर युग की कथाएं थे तो वो सुनकर उनके अंदर वो भाव आता था, उनको यह निष्काम कर्म वगैरह नहीं पता था। लेकिन जैसे प्रभु जी हम कहते हैं ना कि वी आर द पार्ट एंड पार्शल ऑफ कृष्णा, तो भक्ति हमारे अंदर स्थित ही है। ओके, तो प्रभु जी देखते हैं कि कुछ समय के बाद जब वो लोग की एज हो जाती है तो उनको ये लाइफ के बारे में पता है कि यह जीवन क्या है, तो यह भौतिक जगत इज अ दुखालय ओनली। तो जैसे ही उनकी बहू आते तो जैसे बहुत सारा बोझा उनके सर पर है, तो उनको पता है कि यह सब दिस इज नॉन स्टॉप प्रोसेस, तो वह अपनी आने वाली बहू को सब सौंप देते हैं। और प्रभु जी हम उनके अंदर देख पाते हैं कि वो लोग को बस जैसे आपने बोला ना कि हाँ शारीरिक क्रिया है जैसे खाना पीना सोना, वो पर बाकी पूरा ध्यान उनका भगवान के ऊपर ही रहता है और कुछ भी यानी बस सब कुछ छोड़ देते हैं वो लोग। हम लोग अगर कुछ भी पूछते हैं तो बोलते हैं जैसे हमारे गुजराती में ऐसे बोलते हैं हरी करे ये साचू, मीन्स जो कृष्णा करेंगे वही सच है, मुझे कुछ पता नहीं है मेरे जीवन के बारे में, बस उनकी लाइफ में हम लोग वही देखते हैं। यानी वो नित्य क्रम करते हैं प्रभु जी, अगर बैठे हैं तो भगवान का श्रृंगार करेंगे, उनके लिए कुछ भोजन बनाएंगे, यानी जब वो लोग बोलते ना वर्णाश्रम धर्म, यानी जब यह संसार से दूर हो जाते यानी
तो वो लोग अपना जीवन इसी में बिताते हैं कि अगर कुछ भी कपड़ा मिला तो उनको ये नहीं पता कि मुझे भगवान के लिए बहुत अच्छा कुछ लाना है बाजार से, कुछ भी कपड़ा मिला तो भगवान के वस्त्र बनाने लगते हैं, यानी नित्य सेवा में ही वो लोग लीन रहते हैं। तो इवन दो प्रभु जी दे आर नॉट भक्ता, दे आर नॉट इन कृष्ण भावनामृत, उनको ये शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, फिर भी हम लोग उनको कैसे समझ सकते हैं कि उनका यहाँ देह त्यागने के बाद वहाँ किसमें यानी जाते हैं, भगवान के धाम में ही जाते हैं या कैसे प्रभु जी? मीन सब योगों का हम लोग उनमें देख सकते हैं भाव। देखिए माता जी, इस पे मैं एक ही बात कहूंगा कि शास्त्रों को मतलब भक्ति करने के लिए कोई विद्वान हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो भक्ति के लिए योग्यता नहीं है, कोई भी भक्ति कर सकता है। जैसे गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज वो अंगूठा छाप थे लेकिन उनको तत्वों का पूरा ज्ञान था, तो भगवान के धाम तो वही जा सकता है जिसको पूरा तत्व ज्ञान हो, क्योंकि जन्म कर्म च मे देवम एवं यो व्यक्ति तत्वता, जो तत्वता नहीं जानता है वो फिर तो जो तत्वता जानते हैं उसके लिए तत्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको शास्त्र पढ़ना है, सबको संस्कृत, लेकिन कोई एक प्रामाणिक गुरु से सुन के, भले अनपढ़ व्यक्ति भी हो लेकिन प्रामाणिक गुरु से सुन के उसको अपने जीवन में स्वीकार कर ले, उतार ले अपने कार्यकलापों में, अपने सोच विचार में, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। तो ये उस पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति की प्रामाणिक गुरु में कितनी श्रद्धा है, कोई श्रद्धा होगी तो उसके शब्दों को स्वीकार करेगा, अपने जीवन में उतारेगा, अपने जीवन को वैसा ढालना शुरू कर देगा, है ना। तो भले ही उसको ऐसी टेक्निकल नॉलेज ना हो कि क्या कर्म योग है क्या, जस्ट एक बार सुन लिया और गुरु में विश्वास है। मैं भी जानता हूँ ऐसे बहुत सारे गांव में ऐसे लोग होते हैं, उनको ज्यादा उनको गीता पढ़नी भी नहीं आती है, संस्कृत तो दूर की बात है, हिंदी भी नहीं पढ़ सकते, लेकिन उनको आपने बता दिया कि आप भगवान के अंश हैं, आपके जन्म का उद्देश्य है भगवान की सेवा करना, बस उसको उस पर विश्वास करके वो अपना जीवन पूरा उसमें लगा देंगे, तो ऐसे व्यक्ति भगवान के धाम को ही प्राप्त करेंगे, क्योंकि उस श्रद्धा के कारण, उनको कृष्ण में श्रद्धा है, गुरु के वाक्यों में श्रद्धा है। तो ऐसा एक पद्म पुराण में एक श्लोक भी आता है, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैव कथितो हि अर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः। मतलब जिसको भगवान में कृष्ण में अगाढ़ श्रद्धा है और वैसी ही श्रद्धा गुरु में भी है, यथा देवे तथा गुरु, उसी को शास्त्रों का जो मर्म है, शास्त्रों का तात्पर्य है, प्रकाशित होता है, प्रकाशन्ते महात्मनः। उसको नहीं होता है जो केवल संस्कृत जानता हो, बहुत मेधावी हो, वो तो योग्यता है ही नहीं, बल्कि योग्यता है कि जिसको गुरु और कृष्ण के शब्दों में श्रद्धा हो। एक बार प्रभुपाद से भी पूछा था तमाल कृष्ण महाराज ने कि प्रभुपाद क्या इस्कॉन में सब भक्त भगवान के धाम जाएंगे? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, जिनको गुरु और कृष्ण में श्रद्धा है, गुरु और कृष्ण की कृपा से वो सब भगवान के धाम जाएंगे। श्रद्धा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है उसमें, भले हम शास्त्र पढ़ रहे हो, शास्त्र जानते हो, लेकिन श्रद्धा ना हो तो क्या उसका लेना है, तो हम भी नहीं जाएंगे। श्रद्धा अनपढ़ आदमी को भी हो सकती है, और ये चैतन्य चरितामृत में कथा भी आती है ना, एक वो मोची होता है और एक ब्राह्मण होता है, आपने सुनी होगी वो कथा। तो नारद मुनि जब जाते हैं दोनों के पास, तो वो मोची पूछता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं नारद मुनि? तो बताते कि मैं वैकुंठ से आ रहा हूँ। अच्छा, भगवान नारायण क्या कर रहे थे वैकुंठ में? बोले वो एक हाथी को सुई की नोक में से निकाल रहे थे। तो वो मोची नाचने लगा आनंद से। तो नारद मुनि ने पूछा, अच्छा तुमको विश्वास है क्या कि हाथी सुई की नोक से निकल सकता है? बोले देखो, जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा हूँ, इतना बड़ा बरगद का पेड़ है, जब वो इतना बड़ा पेड़ इतने से बीज में समाहित हो सकता है और वो भगवान ही कर रहे हैं, तो क्या वो हाथी को सुई की नोक के पीछे से नहीं निकाल सकते? और जब वो ब्राह्मण के पास गए जिसको षट कर्म निपुण मंत्र तंत्र विशारद, जिसको जो षट कर्म में निपुण था और मंत्र तंत्र में विशारद था, जब उसने पूछा कि भगवान वहां पर क्या कर रहे थे, तो नारद मुनि ने उनको वही बताया। तो ब्राह्मण बोला, है ऐसा कभी हो सकता है क्या, झूठ बोल रहे हो तुम वैकुंठ गए ही नहीं। तो ये कथा आती है चैतन्य चरितामृत में। तो मुझे लगता है महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताते हैं। तो श्रद्धा मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है।
नॉलेज नहीं, नॉलेज तो होनी चाहिए, अब नॉलेज सुन के भी हो सकती है, पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन उस नॉलेज में श्रद्धा बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है माता जी, प्रभु जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। प्रभु जी पहले तो जैसे जैसे हम लोग की श्रद्धा, तो श्रद्धा सुन के भी आ सकती है, किसी को देख के कि कोई पूजा कर रहा है तो मुझे भी वैसी करनी और मन उसी में स्थित हो जाता है, वैसे भी कर सकते हैं। तो प्रभु जी पहले तो कोई ऐसा नहीं था कि गुरु धारण करना और वो बात का उनको ज्ञान नहीं था, बस अपना जीवन कुछ सालों के बाद हमें भक्तिमय जीवन जी बहुत लोगों को ऐसे देख पाते हैं। तो प्रभु जी इसके बारे में जैसे ज्ञान ही नहीं है कि गुरु धारण करना है, लेकिन सर्वस्व कृष्ण को ही अर्पण करना है कि दैट इज ओनली फाइनल डेस्टिनेशन, तो प्रभु जी ये दोनों बात पे हम कैसे समन्वय कर सकते हैं? देखिए गुरु का अर्थ केवल दीक्षा गुरु नहीं है, आप भगवान के धाम बिना दीक्षा लिए भी जा सकते हैं, लेकिन शिक्षा गुरु अनिवार्य है। आपको कहीं से संबंध ज्ञान तो मिलना चाहिए ना, संबंध ज्ञान की मैं भगवान का अंश हूं, तो ये भारत में जन्म लेने का बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि भारत में जैसे कि आप गांव के बारे में बता रहे हैं, भले गुरु ना हो ब्राह्मण ना हो, लेकिन संस्कृति के कारण, संस्कृति में ऐसा था कि अभी भी जो बूढ़े लोग हैं वो एक बार 60-65 के होते हैं तो उसने बस अब समय आ गया, अब मैं पूरे भगवान के भजन में मन लगाऊंगा, तो वो जो उनको सीखने को मिलता है वो उनको अपने बड़े बुजुर्गों से मिलता है, परंपरा में मिलता है, परंपरा नहीं बोलना चाहिए इसको, बोलना चाहिए कि संस्कृति में मिलता है उनको, संस्कृति में मिलता है, लेकिन उन्होंने भी किसी से तो सुना, उन्होंने अपने दादा से परदादा से कहीं से तो सुना, तो वो उनके शिक्षा गुरु हो गए, जो उनको संबंध ज्ञान दे रहा है वो उनका शिक्षा गुरु हो गया। तो दीक्षा गुरु अनिवार्य नहीं है, लेकिन शिक्षा गुरु अनिवार्य है, कहीं ना कहीं से तो शिक्षा मिलनी चाहिए। अब वो शिक्षा नहीं होगी तो उसको ये कैसे मतलब ये कैसे वो समझेगा कि अब मेरा, अब मुझे पूरे हरि भक्ति में अपना मन लगाना चाहिए, अपने कार्य लगाने चाहिए, कहीं से तो उसको वो ज्ञान मिला ना, संबंध ज्ञान, तभी तो वो अंत समय आने से पहले पूरा भगवान को समर्पित होना चाहता है, जैसा कि आप बता रहे हैं। प्रभु जी लास्ट क्वेरीज है, डाउट है प्रभु जी, जैसे हैं आप, हम लोग बोलते हैं ना कि हम अगर कुछ सुनते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे प्रश्न आने चाहिए, हाँ, तो प्रभु जी हम ऐसे भी कुछ लोगों को देखते हैं जिनको कोई प्रश्न नहीं आता, मीन्स आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस कि मैं यहाँ पर राधा रास बिहारी टेम्पल में जाती थी तो एक प्रभु जी को देखती थी, हम लोग सब यानी सेवा करनी है या गुरु महाराज के लिए किचन में प्रसादम बनाना है या सब लोग अपने सेंसेस को किसी भी तरह ना ऐसे लेक्चर अटेंड करना या कुछ भी करते थे, लेकिन वो प्रभु जी भी हम जैसे ही थे कि हमारे जैसे लेक्चर अटेंड करते थे या फिर अगर कुछ काम नहीं है तो वो एक जगह पे बैठ के चैंटिंग करते रहते थे, यानी वो मेरे लिए एक फोकल पॉइंट, अगर मैं जाती हूँ ना तो मैं उनको पहले कि वो प्रभु जी है या नहीं है, वो मुझे तुरंत वो डिफरेंस पता चलता था कि मैं क्यों प्रभु, क्योंकि वो सबसे अलग दिखते थे। तो एक बार देन आई सेड, मैंने उनको पूछा कि प्रभु जी आप लेक्चर में भी आते हो तो मैंने आज तक आपको नहीं देखा कि आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे तो प्रश्न यानी सबको आते, आपको क्यों नहीं आते? तो दैट प्रभु जी गेव मी नाइस रिप्लाई कि इतने सारे लेक्चर सुनते हैं, इतने सारे योगों के बारे में जानकर जब भगवान हमें बोल ही रहे हैं कि हमारा ध्येय क्या है, कृष्ण भावना व्रत में लगाना, तो हम यह सब प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसी में लगा रहूंगा, जब मुझे पता है कि मेरा जीवन का ध्येय कृष्ण के लिए ही समर्पण करना है तो बस मैं कुछ ना बोले अपने आप को कृष्ण की सेवा में ही समर्पित करता हूँ और उसी के चिंतन में खोया रहता हूँ। तो प्रभु जी प्रश्न पूछना और नहीं पूछना, ये दोनों के बीच का मुझे समझ। देखिए किसी को प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो इसका अर्थ ये कि उसने पिछले जन्म में भक्ति करी है, एक तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी, दूसरा कि वो मूर्ख है, इन्हीं दो लोगों को प्रश्न नहीं आएंगे, जो मूर्ख है वो कुछ सोच ही नहीं सकता उसको भी प्रश्न नहीं आएंगे, और जो पिछले जन्म में भक्ति कर गया है उसको पहले से ही विश्वास होगा कि हाँ मैं भगवान का अंश हूँ, ठीक है समझ गया, सेवा करनी है, बस प्रश्न क्या पूछने, इन दो लोगों को प्रश्न नहीं आएंगे। लेकिन हमारे स्तर पे प्रश्न पूछना बहुत व्यवहारिक है, क्योंकि रूप गोस्वामी साधना भक्ति के 64 अंगों में, मैंने कल बताया था ना, परसों बताया था कि एक अंग है आदो गुरुपादाश्रय, गुरु के एक शिक्षा को स्वीकार करना, शिक्षा को ग्रहण करना, और एक एक अंग यानी चौथा अंग, पहला अंग है आदव गुरुपादाश्रय, गुरु के चरणों का आश्रय प्राप्त करना, और एक अंग है सद्धर्म पृच्छा, और केवल गुरु से प्रश्न पूछना ही
प्रामाणिक प्रश्न पूछना ही ये भी भक्ति का एक अंग है। केवल प्रश्न पूछकर या भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें प्रश्न पूछना चाहिए। हाँ, अब प्रभुपाद लिखते हैं एक इसमें परपट में कि एब्सर्ड इंक्वायरी एंड ब्लाइंड फॉलोइंग आर यूजलेस। एब्सर्ड इंक्वायरी मतलब फालतू के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। एक भक्त ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद ये कृष्ण के समय में वृंदावन में सीवेज सिस्टम कैसा था। प्रभुपाद ने कहा एब्सर्ड इंक्वायरी, आपको क्या लेना देना है उससे, बेकार की बात है। तो एब्सर्ड इंक्वायरी नहीं होना चाहिए और ब्लाइंड फॉलोइंग भी अच्छा नहीं है, दोनों ही अच्छे नहीं है। तो जो मूर्ख व्यक्ति है जिसको ज्यादा बुद्धि नहीं है वो ब्लाइंड फॉलोइंग करेगा, देखते हैं ना कितना अंधविश्वास। इसलिए तो समाज में इतना अंधविश्वास है क्योंकि लोग प्रश्न नहीं पूछते, और पूछते भी हैं तो फिर कितने लोग ट्रेंड हैं आंसर करने के लिए, ये भी बहुत दुर्भाग्य की बात है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी जैसे एक मिनट, हरे कृष्ण एक मिनट मुझे बस कंप्लीट कर दीजिए। या फिर किसी ने पिछले जन्मों में इतनी भक्ति करी है कि अब उसको कोई प्रश्न है नहीं, बस सीधा जैसे आप जो भक्त प्रभु जी का उदाहरण दे रहे हैं वो उसी वही केस है, तो बस भगवान की सेवा में लगे हैं, उनको कुछ प्रश्न है ही नहीं, तो बहुत एडवांस डिवोटी है। ओके प्रभु जी, बस मैं उनको देखती थी तो वो यानी हमारे बीच रहकर भी हमारे बीच नहीं थे, वो कुछ सेवा भी करते थे लेकिन बस अपने आप में चैंटिंग करते करते सेवा करते थे, ना किसी से बात ना कुछ, और जैसे सेवा खत्म हो जाती थी वो एक कॉर्नर में बैठ के चैंटिंग करते रहते थे। तो बस प्रभु जी इसीलिए मैंने यह क्वेश्चन आपसे पूछा प्रभु जी। पास्ट लाइफ में भक्ति करके आए होंगे बहुत। थैंक यू माता जी। रमापति प्रभु बहुत देर से हाथ खड़ा किए हुए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक्चुअली लास्ट क्लास का मेरे को टास्क दिया था हमारा ग्रुप सभी ने, हमारा रजविलासिनी माता जी, तो लेकिन मैं सही नहीं बता पाया प्रभु, क्षमा कीजिए। उसका रिलेशन बताता हूँ, जैसा श्रद्धा होना चाहिए जैसा शबरी जैसा, हाँ उनकी गुरु के ऊपर कितना उन्होंने श्रद्धा था, विश्वास था, तो फिर जाके हम लोग कोशिश करते हैं भगवान के धाम में जाने के लिए, लेकिन ऐसा भक्त है वो भगवान खुद चल के आया उनके लिए, तो उसमें हमारा भी थोड़ा भी होगा ना प्रभु, ये हो जाएगा। और विश्वास होना चाहिए, हाँ जैसा हमारा माँ के ऊपर जितना विश्वास है हमारा अंदर, हाँ अगर माँ ही बता सकता है बाप कौन है, और अन्यथा हम बाजार में और गली गली में जिसको जाके मिलेगा उससे हम पूछेगा पिता हमारा है क्या, आप ऐसा पूछ के रहेगा तो हमको पिता ही नहीं मिलेगा। उससे सरल उपाय है अपना माँ को पूछो हमारा पिता कौन है, तो शास्त्र बताते हैं हमारा बाप कौन है, तो शास्त्र को शास्त्र के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए, फिर जाके हमको भगवान हमारा पिता मिल सकता है। अदरवाइज ये बाकी शास्त्र को आप बिलीव नहीं करेगा, उसको पढ़ते रहेगा, फिर कोई फायदा नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद हरे कृष्ण। नीरजा माता जी, अच्छा पहले एक बार मैं कोई और प्रश्न लूं, किसी को अगर जल्दी है तो बता देते हैं। अगले बार हम 13 से लेकर 26 या एक काम करते हैं, पूरा चैप्टर ही पढ़ लीजिए क्योंकि उसके 29 तो टोटल हैं, 13-29 श्लोक का पढ़ लीजिए, 13 से लेकर 29, 13-29। यस नीरजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम प्रभु जी। सॉरी मैंने बीच में बोला, कभी कभी ये नेट का प्रॉब्लम होता है ना, तो मुझे लगा कि कंप्लीट हो गया, सॉरी क्षमा करें प्रभु जी। प्रभु जी जैसे दाक्षी माता जी वो बता रहे थे कि वो प्रभु जी चैंटिंग कर रहे थे, तो क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे पुण्य कर्मों से हमें सत्संग मिलता है, भगवान के भक्तों का संग मिलता है, फिर हम जैसे लेक्चर अटेंड करते हैं, फिर बहुत सारी भगवान की कथा भगवत चर्चा करते हैं सुनते हैं, उसी के फल परिणाम स्वरूप हमें नाम में रुचि होती है, और जब हम नाम जाप करते हैं तो फिर वो वही हमें भगवान की प्राप्ति का एक साधन बन जाता है। और जैसे मैंने वाल्मीकि रामायण में एक वो सुना था, एक मुझे वो एक ही सेंटेंस याद है कि दासो हम कौशलेंद्रस्य,
तो एक मन में ये भाव होना चाहिए कि हम भगवान के दास है, तो हमारा सभी कर्म जो है वो भगवान को ही अपने आप ही अर्पण हो जाएंगे प्रभु जी। तो वो ये सब लेक्चर सुनना बाहर से वो सब ठीक है, लेकिन जैसे दाक्षी माता जी बता रहे थे कि वो प्रभु जी चैंटिंग ही कर रहे थे, तो उनको ये समझ सकते हैं कि वो पूरा ही उन्होंने इतना प्रोसेस में जाने के बाद उनकी इतना दृढ़ संकल्प हुआ है कि उनके नाम के प्रति इतनी ज्यादा रुचि हो गई है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बाकी तो सब ठीक बोला माता जी आपने, लेकिन शुरू में थोड़ा सा आपने बोला पुण्य कर्मों के कारण, तो भक्ति पुण्य कर्मों के कारण नहीं मिलती है। भक्ति भक्ति की जननी भक्ति है, भक्ति संजायते भक्ति, भक्ति पुण्य और पाप पर निर्भर नहीं करती है। बाकी सब ठीक बोला। ओके हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। व्रज विलासिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। मेरा प्रश्न नहीं है, लेकिन रमापति प्रभु ने अभी जो बताया कि मैंने टास्क दिया था, मेरी ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि मैंने टास्क नहीं दिया था, तो ये तो टास्क महाराज प्रभु जी ने दिया था हमें, और हम सब चर्चा कर रहे थे और प्रभु बहुत ही हृदय से बोलते हैं, तो हमने सबने सोचा कि वो बताएंगे। तो प्रभु जी प्लीज रमापति प्रभु जी आप ऐसा मत सोचना कि मैंने कुछ टास्क दिया था आपको। नहीं ऐसा नहीं है माता जी, आप हमारा सिस्टर है, आपने बता दिया तो आप जो सेवा दिया था मैं पूरा नहीं कर पाया, तो इसलिए मैं क्षमा चाहते हूँ। मैं रिलीज हुआ था दो दिन से, मैं क्यों सही नहीं बता पाया, नहीं क्यों नहीं, बस ऐसा हो जाता है कभी कभी। चलिए ठीक है, थैंक यू प्रभु, मैटर रिजॉल्व हो गया है। आधा घंटा तो ज्यादा ही ले लिया प्रभु आप लोग का आज। धन्यवाद, शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा।